सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस अभी आ रही होगी प्रॉपर आप सभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी फोक डांसेस बिकॉज कल हम लोगों ने क्लासिकल डांस देख लिया था हाँ जी जय हिंद अभी वॉइस आ रही होगी ठीक है हाँ जी एक बार अभी कंफर्म कर देना वॉइस आ रही है क्या तो डिफरेंट डांस फॉर्म्स होती है हमारी एक क्लासिकल डांस जिसको शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं और दूसरा फोक डांस तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोक डांसेस गुड इवनिंग ओके वही सही है ना अभी क्लियर ओके तो आज हम लोग देखने वाले हैं फोक डांस और फोक डांस होते क्या हैं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो कहीं किसी एक पर्टिकुलर रीजन का कल्चर हमें दिखाएँ ठीक है जैसे ये बताइए जरा कौन सा क्लासिकल डांस है ये तो जो फोक डांसेस होते हैं और क्लासिकल डांसेस में ही डिफरेंस होता है कि क्लासिकल डांसेस को कोई इस सच कोई रिचुअल में परफॉर्म नहीं किया जाता है जैसे कि फोक डांसेस की अगर बात करें तो इनको किसी ना किसी रिचुअल पर जैसे हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है या फिर मान लो कि अच्छी शादी हो जाए ठीक है इसलिए परफॉर्म किया जा रहा है या फिर किसी भगवान को समर्पित करके इसको वो किया जा रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर महाभारत या रामायण में कोई इवेंट को दर्शाने के लिए हो रहा है तो और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होता आओ और शुरू हो जाओ ठीक है बस थोड़ा बहुत स्टेप्स होते हैं बट क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है तो क्लासिकल डांस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था वो वीडियो पब्लिक है वो वीडियो बैच किया बट फिर भी मैं उसको मैंने पब्लिक कर दिया था और सिर्फ वही वीडियो पब्लिक रहेगा ठीक है अभी ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये भी रहेगा ठीक है तो ये जैसे कि पहले वीडियोज़ थे लाइव ही आपको अवेलेबल रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोक डांसेस तो जिस तरह से हम लोगों ने जो क्लासिकल डांस वाला टॉपिक था उसमें क्या किया था उसमें उस क्लासिकल डांस को लेके काफ़ी जो चीज़ें थी कि भाई क्यों ओरिजिनेट हुआ सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देखी तो उसके डिफरेंट एक्सपोनेंट अब यहाँ ओवैसी बात एक्सपोनेंट तो ऐसा कोई होगा नहीं ठीक है क्योंकि जिसका मना है जैसे जो मना है तो वो डांस करना अपना स्टार्ट कर देगा तो इसमें ऐसा हमें एक्सपोनेंट नहीं पढ़ने अब क्लासिकल डांस में क्या होता है कि स्टेट तो याद हो जाते हैं क्योंकि हैं ही कितने क्लासिकल डांसेस आठ ही तो हैं ठीक है थीके? तो वो आसानी से याद हो जाते हैं कि ठीक है भाई भरतनाट्यम तमिलनाडु का है मोहिनीअट्टम और कथक कली आपका केरल का है आंध्र प्रदेश का कुछ ही पुडी है तो इस तरह से ओडिसा का ओडीसी है यूपी का कथक है असम मनीपुर का सतरिया मणिपुर का मणिपुरी है तो इस तरह से हमें सारे याद हो गए हैं तो ऐसे उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है है ना क्योंकि कुछ किसी किसी स्टेट में जैसे तो ओडिसा में ओडीसी मणिपुर में तो वो नाम से ही पता चल जाता है वहाँ पर एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है और जो बाकी की एक्स्ट्रा इन्फो होती है बट यहाँ पर स्टेट इंपॉर्टेंट है रिकॉगनाइज़ करना कि किस स्टेट से बिकॉज ढेरों फोक डांसेज होते हैं और कई सारे फोक डांसेज आपको देखने को मिलेंगे जो मल्टीपल स्टेट्स में होंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कर्मा है जैसे हम कर्मा एक डांस पढ़ेंगे तो ये मल्टीपल आपको जैसे झारखंड जैसे झारखंड हो गया उड़ीसा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया तो यहाँ कर्मा आपको देखने को मिलेगा इसी तरह आपका छऊ होता है तो मल्टीपल स्टेट्स में तो ऐसा सच ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि अब क्योंकि ये ट्राइब्स यूजुअली ट्राइब्स परफॉर्म करती है तो कुछ कुछ फोक डांसेस हमें ट्राइब्स ही पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है तो अब जैसे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होके है तो अब कोई चीज़ जो अगर मध्य प्रदेश में परफॉर्म की जा रही होगी तो कुछ चीज़ें होंगी जो कुछ फोक डांसेस होंगे जो छत्तीसगढ़ में भी परफॉर्म किए जा रहे होंगे तो ऐसे सच कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये तो वहाँ भी था ये वहाँ भी वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लेरिफाई करता चलूँगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलने वाले हैं और उसको याद करने के लिए ठीक है डिटेक्ट भी हम लोगों के पास है ना जैसे कि हम लोगों ने याद किए थे क्लासिकल डांस में स्टार्ट किया जाए फिर तो सबसे पहला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश तो यहाँ के फोक डांसेस कौन कौन से हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे फोक डांसेस याद करने है. तो वही जैसे मैंने बताया स्टेट इंपॉर्टेंट है कि वो किस स्टेट से है तो भाम वीरनाट्यम बुर्रा कुत्ता बनालू भीमसा कोलट्टम लंबाडी भुट्टा बोमालू और दफ ये क्या है हमारे डांसेज हैं यहाँ के इसको याद करने के लिए कुछ इस तरह से ट्रिक है कि भाई जो वीर लोग होते हैं पहली बात तो वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से बुर्रा बना लूँ इस तरह से आप देखो अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि <laughs> मुझे पता है ना कुछ स्टूडेंट आएंगे सर ये ट्रिक जो है बहुत टफ लग रही है वो कोई दिक्कत नहीं आराम से याद करो बैठ के भाम कल्फम वीरनाट्यम ठीक है और दूसरी बात आप किसी ना किसी स्टेट से तो होंगे ही तो उस स्टेट के तो आपको ट्रिक याद ट्रिक की ज़रूरत है नहीं ट्रिक की ज़रूरत है नहीं ठीक है वो आपको पहले से ही याद होंगे ठीक है दो तो तीन स्टेट और होंगे जो आपको याद होंगे तो जितना ट्रिक का यूज़ कम से कम कर सकें उतना प्रेफर करिएगा बिकॉज मेन बात यह है कि ट्रिक बहुत लंबे समय तक याद रहें वो ज़रूरी नहीं होता है तो फिर लाने का पर्पज़ यहाँ पर है क्या लाने का पर्पज़ ये है कि, कि कई सारे स्टेट होंगे जहाँ पर आपके एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार याद करें तो करें कैसे तो अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैंने आपके लिए वो मेहनत कर ली है पहले से ही ठीक है ट्रिक बना ली मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि ट्रिक जो है वो थोड़ा सा याद करने लायक हो आसान हो और बाकी अगर आपको इसमें कुछ एडवांस और डिलीशन करने तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं है ना बाकी तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ता है ट्रिक बनाते वक्त किसी की भावनाएं भी हाथ ना हो तो अगर किसी की हो जाती हैं तो माफ़ करिएगा बाकी अगर कोई किसी को ओवर स्मार्ट मत बनिएगा कि सर ये ट्रिक बहुत टफ है अगर टफ है तो आसान बना के कॉमेंट सेक्शन में लिख देना सो दैट बाकियों को भी फायदा हो जाए है ना तो वीर लोगों के लिए धीमे से कोयले की भाप से भुर्रा बना लूं तो वीर से हो जाएगा आपका वीरनाट्यम जैसा नाम में ये वीर वीर तो ये एक्चुअल में इसको डांस ऑफ ब्रेव बोलते हैं ठीक है डांस ऑफ ब्रेव और ये लॉर्ड शिवा को समर्पित एक डांस है भामकल्फम ये आपको पहले से ही याद है अगर आपने क्लासिकल डांस वाला लेक्चर देखा होगा और उसको रिवाइज़ किया होगा तो भावकल्फा वहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारे सिद्धेंद्र योगी जी हैं सिद्धेंद्र योगी जी जो कि एक वैष्णवाइट सेंट थे तो इनके सपने में कृष्ण जी आए थे तो फिर उन्होंने बोला था अगर आपको याद हो क्या बोला था उन्होंने क्या बोला था उनकी थर्ड वाइफ कौन थी कृष्णा जी की तो उनसे उनको फूल समर्पित करने के लिए तो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी ठीक है तो उस स्टोरी को सारी चीज़ें जब कृष्ण जी ने उनको बोला था कि इस तरह से आप कोई कंपोजिशन बनाओ तो भामकल्फम एक कॉम्पोजिशन बनाया था सिद्धेंद्र योगी जी ने जिसमें कि उन्होंने पूरा फोक म्यूज़िक भी मतलब वो भी लिरिक्स भी लिखा था और साथ ही साथ उसको डांस का रूप भी दिया था कि इस तरह से उसको परफॉर्म करना है जो बाद में कुची पुटी का जो है रूप लिया था ठीक है तो भामकलफम वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं देन अगर हम बात करें धीमे से तो धीमे से हो जाएगा धीमे से भीमे से ऐसे याद कर लो भीम ठीक है कोयले से कोलट्टम याद कर लीजिए ठीक है कोलट्टम भाप से भाप से आप भामकलफम याद कर सकते हैं भाप से भामकलफम याद हो जाएगा ठीक है बुर्रा लो तो बुर्रा से भुट्टा बोमालू बुर्रा बनालू से भुट्टा बोमालू आप याद कर सकते हैं लंबाडी मैडम लंबा अलबेले टांगे वाले ठीक है ए से अलबेले टांगे वाले ए से आंध्र प्रदेश लंबाडी मैडम लंबा इस तरह से आप लंबाडी को याद कर सकते हैं बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये बोनालू फेस्टिवल है बोनालू ठीक है तो बोनालू ये आपको तेलंगाना भी में भी देखने को मिलेगा और यहाँ तक कि तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल भी यही है बोनलू ठीक है तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको काफ़ी सारे कॉमन मिलेंगे लंबाडी जो है ये लंबाडी ट्राइब है एक्चुअल में वो परफॉर्म करती है जो ये माना जाता है गुजरात राजस्थान वाले एरिया से ये माइग्रेट किए थे साउथ इंडिया में ठीक है भुट्टा जो बमालू है इसको भुट्टा बमालू का जो एक्चुअल मीनिंग होता है तो साउथ इंडिया का है ना तो बास्केट वाइज होता है इसका एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग है और ये एक तरह का मास्क डांस है ठीक है ये एक तरह का मास् डांस है जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं पहले तो तुम्हें तो यही याद होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर फोक डांस है वो किस स्टेट से बिकॉज क्वेश्चन इसी से ही बनता है यूजुअली मतलब नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम्स क्वेश्चन इसी से बनेगा कि फोक डांस ये किस स्टेट से है देन बाकी चीज़ें कभी कभी पूछ सकता है वो फाइव परसेंट में कि कौन सा मास्ट डांस है लेकिन सबसे पहले तो किस स्टेट से है अभी आते हैं अरुणाचल प्रदेश के ठीक है अरुणाचल प्रदेश तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम चल रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश ये कुछ ये आपके आपकी क्लास आ, फोक डांसेस हैं <laughs> बुट्टा लंबा डिव हमेशा याद रहेगा वन शॉट स्टॉप मत करना बिल्कुल वन शॉट स्टॉप नहीं होंगे शुभम कल मैं सारी चीजें लेके आऊँगा आज लाना था लेकिन सोचा कि थोड़ा सा कल कायदे से वीडियो बनाएंगे और कल आपको बताएंगे सी पी ओ सी एच एस एल सेलेक्शन पोस्ट कि कैसे वन शॉट आने वाले हैं और कैसे सारी चीजें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कल वीडियो आएगा अजी लामू वैंचो बउुआ की चलो मास लाइन पिकॉक पोपीर बाद और रिकम पादा तो इसको याद करने की ट्रिक इस तरह से कि अजी वैंचो मतलब एक रेखा जी हैं कोई ठीक है रेखा जी बोल रही हैं किसी से या फिर मान लो अपने हस्बैंड से बोल रही हैं कि अजी वैंचो ठीक है या फिर वैंचो से बोल रही हैं वैंचो बउआ के पास चलो शाम को और मास लगा के चलना लाइन एंड पिकॉक डांस देखने चलना है ठीक है तो इस तरह से याद कर सकते हो तो रेखा से आपका हो जाएगा या फिर अरुणा अरुणा ने रेखा से कहा अरुणा ने रेखा से कहा अरुणा और रेखा दो सिस्टर्स हैं तो रेखा से रेखम पादा हो गया आपका ठीक है और वैन्चो से आपका ये वैंचो डांस हो जाएगा वैंची नहीं ये डांस है ये बउआ से भैया डांस हो जाएगा पास चलो से पासी कोंकी हो जाएगा पास ठीक है पास से पासी कोंकी हो जाएगा चलो से चालो डांस हो जाएगा ठीक है शाम को से हो जाएगा बारदो छाम कहीं पे दिख रहा है बारदो छाम ये लिखा हुआ है ठीक है शाम को से हो जाएगा बारदो छाम शाम को बार दो शाम को ठीक है इस तरह से मास्क लगा के तो मास्क डांस ठीक है मास्क डांस भी हो गया हमारा लॉन एंड पिकॉक डांस लॉन एंड पिकॉक डांस हो गया आपका अब कौन सा बच्चा एक वो नहीं लिखा है क्या यहाँ पे एक सेकेंड आप जी लामू हो गया आपका वैंशो हो गया बुआ हो गया पासी कॉन्की हो गया ये वो नहीं लिखा है यहाँ पे यक छाम ठीक है यक छाम नहीं लिखा है आपका यक छाम डांस और यहाँ पर तुम्हें तुम्हें गाना भी दिखाना है यार मुझे यहाँ पे तो यक छाम डांस यक तुमने एक यक करके एनिमल का नाम सुना होगा जो कि कहाँ पे पाया जाता है जो आप तिब्बतन जितने भी हमारे स्टेट्स हैं ना जो तिब्बत से बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल हो गया सिक्किम हो गया या फिर आपका लद्दाख भी हो गया तो यहाँ यहाँ पे आपको यक छाम डांस देखने को मिलेगा अब ये जो यक छाम डांस है तीन स्टेट मैंने आपको बताया अरुणाचल सिक्किम और आपकी यूटी ऑफ लद्दाख यक छाम डांस को भी मैं दिखाता हूँ ये तो लॉयन एंड पिकॉट डांस हो गया आपने वो मूवी देखी किस किस ने देखी जब वी मेट जब वी मेट करके मूवी अभी मैं इसको प्ले करने वाला हूँ यहाँ पर आप देखिएगा यक छाम डांस यक का जो है रूप लेके अब देखिएगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा पॉइंट आउट करके ठीक है मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा आपको सुनाई दे रहा होगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ये, ये दोनों ये दोनों देख पा रहे हैं ये यही है आपके ठीक है बस बंद हो जाओ ठीक ठीक है तो वो आपके जो दो याक्स दिख रहे थे वो एक्चुअल में याक्स थे उन्हीं उसी को बोलते हैं याक यकक्षाम डांस जो आप, आपने उस पर्टिकुलर वीडियो में देखा जो उस मूवी में दिखाया गया उस गाने में वो यकक्षाम डांस ही है बस बस सौरभ बस मुझे तो मिला तो ही बस आगे नहीं बढ़ना इसके <laughs> हाँ। अच्छा हमें भी सुनाई नहीं अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा था क्या तो फिर मतलब क्या रहा, दे रहा। अच्छा सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को सुनाई क्यों नहीं दिया अभी सुनाई तो देना चाहिए था यह तो मैं अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है तुम वॉइस नहीं आ रही क्या बफरिंग हो रही है वॉइस नहीं यार उसमें कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चलो अभी आते हैं फोक डांसेस ऑफ असम ठीक है असम के फोक डांसेस देखते हैं तो असम के हैं भोरताल झुमूर भुगरम्बा बिहू अली अली गांग और एक चीज़ यार यहाँ पे मैं इसके चक्कर में बताना भूल गया चलो कोई नहीं ट्राइब्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं थोड़ी सी जैसे जो आजी लामू है ना आजी लामू हो गया आपका और लॉय पिकॉक हो गया इसको परफॉर्म करती हैं आजी लामो को परफॉर्म करता है आपका ये लेपचा ट्राइब अपने सॉरी लेपचा नहीं है मोनपा ट्राइब ठीक है मोनपा ट्राइब और लाइन एंड पिकॉक को भी परफॉर्म करता है आपका मोनपा ट्राइब ठीक है एंड ये जो आप भुया देख पा रहे हैं इसको परफॉर्म करता है यहाँ का मिशमी ट्राइब और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिकम पाडा ये रिकम पाडा जो है ये परफॉर्म करती है जो निशी ट्राइब है ठीक है निशी ट्राइब परफॉर्म करती है इसको चलो असम का भी देखते हैं चालोडा चालो, चालो कहाँ का, का है अरुणाचल का चलो भोरताल झुमूर भुगुरम्बा बिहू अली अलीगान और देवधानी यहाँ पे ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ कल हम लोग की होगी फेस्टिवल वाली क्लास कल या परसों में तो फेस्टिवल वाली क्लास में ये आपको याद हो जाएगा अली अलीग और बिहू तो बिहू एक हमारा ऐसा है जो डांस भी है और जो आपका डांस के साथ साथ आपका क्या है डांस के साथ साथ आपका ये फेस्टिवल भी है ध्यान रखिएगा जो बिहू है वो डांस के साथ साथ आपका फेस्टिवल भी है कल हम लोग देखेंगे जो फेस्टिवल में तो ये तीन तरह का होता है तीन तरह मैं इसको परफॉर्म किया था तो इसमें ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है भोताल झुमर बोगुरम्बा और देवधानी बस याद कर लीजिएगा जैसे झमूर की अगर बात करें तो ये यहाँ की असम की जो टी ग्रोइंग कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करती इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है इनमें से कौन सा पर्टिकुलर जो डांस है उसको टी ग्रोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है तो दैट वुड बी झमूर ये जो बोग्बा है इसको बोडो ट्राइब है यहाँ की वो परफॉर्म करती है ठीक है एंड ये जो आप देवधानी देख पा रहे हैं देवधानी इट इज सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू पे ट्रिब्यूट टू गॉडेस मनसा ठीक है तो यहाँ पे एक जो लोग असम के होंगे एक बार कंफर्म करिएगा ठीक है इफ एम नॉट रॉन्ग कि यहाँ पे मनसा जो है ये स्नेक की गॉडेस है मतलब सांप की इनको देवी कंसीडर किया जाता है तो उनको उनके उनको इंट्रीब्यूट देने के लिए देवधानी होता है ठीक है चलिए तो ये है आपका बिहू चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फोक डांसेस देखते हैं बिहार के तो बिहार के हमारे जाट जाटिन एक्चुअली मेरी पिक्चर बिहार वाली यहाँ पे लग गई थी असम वाले में कोई नहीं तो बिहार की अगर हम बात करें जाट जाटिन विदेशिया डिबिया झिझिया झरनी पैका कजरी ये सारे कहाँ के हैं बिहार के हैं तो यहाँ पर भी यार ट्रिक आई होप ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई जो जाट और जाटिन है क्योंकि दोनों की नई नई शादी हुई अब जाट किससे शादी करेगा जाटिन से ऐसे याद कर सकते हो ठीक है तो जाट जाटिन जो है धोबिया के पास गए या फिर धोबी के पास गए ठीक है और या फिर झरने में गए धोबी के पास झरने में ही क्योंकि वहीं पानी मिलता है तो धोबी वहीं पर देखने को मिलेगा तो जाट जाटिन धोबी के पास झरने में गए ठीक है और विदेशिया झिझिया ठीक है धिबिया ईया पैकिया कजरी तो ये सारे जितने जहाँ पे ईया ईया टाइप का साउंड आ रहा है लास्ट में सफिक्स में तो वो बिहार के अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें विदेशिया धेबिया झिझिया ठीक है तो ये सब कहाँ के बिहार के और ऐसे याद कर लो बिहार में जाट जाटिन ने शादी करी झरने में गए और वहाँ पर धोबी से अपने जो है पै, पैर पैर धुलवाए ठीक है पैका पैका क्लियर तो पैका आपका ये उड़ीसा में भी है ध्यान रखना इसको मेनली उड़ीसा में भी सेलिब्रेट किया जाता है जो आपका पैका है ये एक तरह का मास्क डांस होता है जो कि मेनली उड़ीसा में भी होता है बट कुछ पार्ट ऑफ बिहार में भी होता है अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे तो छत्तीसगढ़ के याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सारे आपको याद हो जाएंगे कि अक्सर सुआ अब सुआ कौन होता है सुआ होता है पैरेट जो तोता होता है उसको हमारे यहाँ सुआ बोलते हैं है। और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सुआ का आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं लेकिन तोते को मतलब जो पैरट होता है तोते को हमारे गांव में सुआ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में भी सुआ ही बोलते हैं लेकिन मैं छत्तीसगढ़ को नहीं हूँ ठीक है तो सुआ जो है अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा था सस्सी ने एक बार कि इनमें से कौन सा जो डांस है वो पैरट डांस होता है कौन सा डांस को पैरट डांस के नाम से जानते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए तो अक्सर जो सुबह है वो कर्म ना करके गेंडिया मारते हैं गेंडिया आप जानते होंगे ना गेंडिया मतलब फ्री एकदम फ्री फंड में घूम रहे हैं जैसे हमारे कानपुर में तो एकदम ये जगह जगह लोग गेंडिया मारते हुए दिख जाएंगे आराम से एकदम बाइक से हूँ हूँ इधर उधर उधर इधर पता चला कोने में बैठ के समझ रहे हैं आप तो गेंडिया मारते हैं पागलपंथी करते हैं और पांडवों के साथ झूमर के नीचे सेला डांस करते हैं तो अक्सर से हो जाएगा आपका कक्सर कक्सर डांस और ये जो कक्सा डांस है ये आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि ये अबू जमारिया ट्राइब होती है वहाँ की वो परफॉर्म सॉरी छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ कि मतलब झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का तो देख रहे हैं थोड़ा पार्ट ऑफ झारखंड थोड़ा सा पार्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश एमपी में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है लेकिन मेनली है कहाँ का छत्तीसगढ़ का अबुज मारिया ट्राइब इसको परफॉर्म करती है सुबह से सुबह नाचा जिसको पैरथ डांस बोलते हैं कर्म से कर्म नाचा गेंडिया से गेंडी डांस मारते से गौर मारिया डांस पागलपंथी से पंथी नाच पांडवों से पंडावनी डांस और इससे एसोसिएटेड हमारी कौन एक फेमस एक्सपोनेंट है इसकी बस इसी के एक दो के एक्सपोनेंट याद करना है जैसे पंडावनी के तो जरा बताइए टी से नाम इनका स्टार्ट होता है झूमर से झूमर डांस और सेला से सेला डांस हो जाएगा आपका ठीक है और ठीक है झूमर हमने देखा था वहाँ पे असम में ठीक है झूमर आपको एक हरियाणा में भी देखने को मिलेगा और झुमैर करके या फिर झूमर झुमैर ये आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा तो झूमर झूमर ये बहुत होगा यहाँ पे घूमर अलग है घूमर आपका राजस्थान में होता है जिसको कि देखेंगे भील ट्राइप परफॉर्म करती है झूमर हरियाणा में भी होता है और यहाँ पर राजस्थान सॉरी झारखंड हो गया आपका और ये छत्तीसगढ़ रीजन यहाँ पे झूमर यहाँ पे भी होता है जिसको हम झुमैर के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो जुमैर ही बोलिएगा ज़्यादा सही रहे ठीक है जो सुवा डांस है आपका इसको कम यहाँ की जो एक कमर ट्राइब है वो परफॉर्म करती है कमर ट्राइब और सेला डांस को परफॉर्म करता है यहाँ का जो भील ट्राइब है ठीक है भील जनजाति और ये हैं आपकी तीजन बाई जी तीजन बाई जो है परफॉर्म करती हैं पंडावनी डांस की काफ़ी फेमस एक्सपोनेंट और इनको पद्म विभूषण भी अभी रिसेंटली मिला था पद्म विभूषण इन द ईयर 2019 2019 में मिला था इनको पद्म विभूषण अब आ जाते हैं गुजरात पे पांचवा स्टेट है हमारा गुजरात का ये है गरबा डांडिया रास भवाई टिप्पणी हुडो पाधर सिद्धिधामल लास्य मटुकाड़ी विंछूदो गोपारास तो देख सकते हैं कितने सारे हैं तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं गुजरात की गोपियाँ तो गुजरात से गुजरात तो और गोपियाँ से आपका हो जाएगा गोपरस और एक्चुअल में इसको गोपियाँ परफॉर्म करती हैं मतलब इस तरह से सर्कल पर सर्कल बना के और गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जो गोपी राधा वो कृष्ण वो ठीक है तो गोपियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो गोपियाँ से गोपी गोप डांस हो जाएगा ठीक है डांडिया खेलने ठीक है डांडिया डांडिया से आपका डांडिया हो जाएगा डांडिया रास और डांडिया एक्चुअल में एक बार सि ने क्वेश्चन पूछा कि किसके कि बीच की मॉक फाइट को दर्शाता है डांडिया डांस तो ये आपको पता होना चाहिए दुर्गा माता और महिषासुर ये जो नवरात्रि याद से शुरू हुए हैं ये एक्चुअल में इन्हीं दुर्गा जी ने जो वध किया था महिषासुर का उसी को ही दिखाते हैं जिसका ओरिजिन गुजरात से हुआ था गरबा और डांडिया दोनों ही नवरात्रि नवरात्रि के टाइम पे जो है मनाए जाते हैं वो या फिर परफॉर्म किए जाते हैं भवई टिप टिप्पणी तो सीढ़ियों से वो याद हो जाएगा पर से खेल लें सीढ़ियों तो सीढ़ियों से आप याद कर सकते हैं सीढ़ियों से सिड्डी धमाल याद कर सकते हैं ठीक है एंड मटक्के से याद कर सकते हैं मटूकड़ी डांस पधार रही हैं से तो पदहर डांस और ये जो पधार डांस होता है इसको यहाँ की फ़िशर मैन कम्यूनिटी है वो सेलिब्रेट करती है तो ऐसे याद कर लो कि वही फ़िशर पधार रहे हैं ठीक है इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं एंड भवाई और मतलब इस तरह से भवाई को ऐसे याद कर लो कि भावेश आवेश टाइप के नाम जो नहीं होते भावेश तो कहाँ के होते हैं गुजरात के तो होते हैं भावेश तो भवाई याद हो गया आपको ठीक है और यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होती है पानी की कमी होती है ये एक्चुअल में जो आप देख पा रहे हैं ये टिप्पणी डांस ही है ठीक है देख रहे हैं उनका मन नहीं लगा रहा ये ये इन दोनों में से मुझे अ, कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ज़रा बताओ कौन सा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जल्दी से बताओ जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है मतलब इनके मैं ही बात कर करिए परफॉर्म कर करिए इनमें से एक लोग अनएम्प्लॉयड है अगर हम ध्यान से देखें तो भाई जब ये बजा रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो डंडी <laughs> से हो जा रहे हो तुम डंडी उनको दे दो तो एक हाथ से हो जाएंगे डंडी तो ये बोल सकते हैं कि डिसगाइज्ली अनएम्प्लॉयड है ये ठीक है डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है इसको आई थिंक प्रचन्न बेरोजगारी बोलते हैं हिंदी में है ना क्योंकि मतलब दिख रहा ही हैं, हैं। तो रहा रही एम्प्लॉयड है लेकिन एक्चुअल में अनएम्प्लॉयड है तो टिप्पणी डांस होता है यहाँ पे एक तरह से मटकी ऊपर रख के इस तरह से परफॉर्म किया जाता है और ये तो आप जानते ही है डां ये क्या है वही आपका जो गरबा वगैरह परफॉर्म हो रहा है ठीक है कोई गुजरात उजरात का है यहाँ पर गुजरात के लोग बिजनेस वगैरह ज़्यादा करते हैं ठीक है जॉब की प्रिपरेशन थोड़ी कम करते हैं हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं फोक डांसेज ऑफ गोवा पे आते हैं ओहो गोवा दिस इज नॉट द टिपिकल गोवा वी ऑल नो फॉर है ना तो गोवा की अगर बात करें किसके सपने हैं गोवा व जाने के तो गोवा पे आते हैं ट्रिक क्या है सॉरी ट्रिक क्या है मांडवी घोड़े गाड़ी जगवार देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है तो फिर उसके जो फादर हैं जो भी इसको साथ लेके गया तो उन्होंने बोला कि चलो गाँव रो मत सो जाओ जाके उसने बोला कि कल सुबह गाँव निकलना है तो रो मत और सो जाओ जाके नहीं बहुत मारेंगे ठीक है तो इस तरह से है तो मांडवी से हो जाएगा आपका मांडो डांस और अगर आपको ध्यान हो तो मांडवी करके मांड आपकी एक रिवर भी है याद आ रहा है आपको जुआरी और मांडवी रिवर कहाँ पे आपकी गोवा में और आपको ये पता होना चाहिए कि उस मांडवी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है याद आ रहा आपको और जो जुवारी रिवर है उसकी ईश्वरी पे कौन सा पोर्ट कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा घोड़े से घोड़ी मडनी डांस गाड़ी से ताल गाड़ी और फूगढ़ी डांस हो जाएगा जगवार से जागोर डांस देखने से देखनी डांस पतंग से तरंग मेल डांस चलो से धलो डांस गांव से गौफ डांस रोमत से रोमत डांस ये एक्चुअली में रोमट नहीं है रोमत ही है ये रोमत ही है जिस तरह से लिखा हुआ है ना रोमट डांस सो जाओ से सो जाओ डांस सिंपल और एक और था यार यहाँ पे एक और होगा हाँ कुन भी डांस ठीक है शिगमो हो गया शिगमो शुगमो शिगमो 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 शिगम नहीं है क्या चलो ठीक है कुनबी आपका एक फेस्टिवल भी होता है डांस भी होता है तो फेस्टिवल में उसको देख लेंगे नहीं तो यहाँ पे नोट कर सकते हो ठीक है पुनभी और फेस्टिवल हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे फेस्टिवल वगैरह शिगमो वगैरह शिगमो सागो वो सब वहाँ पे आएंगे तो जो हमारी मांडवी रिवर है उस पर दूध सागर वाटरफॉल है और जो जुआारी रिवर का जिसटोरी जॉरबद उन्मक बनता है वहाँ पर मरमगाव पोर्ट है गोवा में है ना तो ये हमें पता होना चाहिए तो ये ट्रिक से आपको आई होप याद हो गया होगा काफ़ी मेहनत लगी है तो ट्रिक बनाने में तो मजाक नहीं उड़ाएगा कोई ट्रिक का फोक डांसेज और नहीं पाप लगेगा फोक डांसेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पे आते हैं हिमाचल प्रदेश के तो काफ़ी लोग हैं ठीक है आई थिंक मैं ही जानता हूँ जो पिछली बार अभी सीजीएल में सिलेक्शन लेके बैठे हैं तकरीबन छः सात लोगों को तो ठीक है हिमाचल के ही है बोलते रहते हैं सर आइए एक तो बोलते हैं कि सर वहाँ पे वो क्या धर्मशाला नहीं है वहीं पर हमारा घर आ जाओ नाटा छोरा अमन हिम पे राक्षसों का चोला ओढ़ के और हाँ कोई अमन यहाँ पर बुरा नहीं मानेगा छोला राक्षसों का चोला और माला ओढ़ के सांड सांड सांड, सांड होता है ना सांड सांड पर बैठ के क्या बोल रहा है सांड पर बैठ के बोल रहा है लेकर छपा छप चप कर रहा है ठीक है एक वो मैंने वीडियो देखा था एक बंदा उस सांड पे बैठ के पता नहीं क्या बोलता है हाँ क्या ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ था ना जय पशुपति नाथ की जय ऐसा करके कुछ नहीं बंदा उस सांड पे बैठा हुआ है वो पशुपति नाथ की जय ऐसा करके कुछ तो ऐसे याद कर लो कि नाटा छोरा अमन हिम पे राक्षसों का चोला और माला ओढ़ के सांड पर बैठ के डांग लेकर छपा छप चप कर रहा है छपा छप चप मतलब पानी से तो नाटा से नाटी डांस छोरा से झोरा या झाली डांस अमन से धमन डांस हिम पे से हिमाचल प्रदेश राक्षसों से राक्षस डांस चोला से चोलंबा डांस माला से कैंगमाला डांस सान से सांड साबू डांस डांग से डांगी डांस चपा से छपेली डांस और छप से छम डांस तो इस तरह से आपको सारे डांसेस इसके याद हो जाएंगे हाँ क्या था उसका क्या था ऐसा ही कुछ था ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी घोड़े मडनी जो होता है आपको मार्शल डांस होता है कहाँ पे है घोड़े मडनी ये ये जो होता है आपका मार्शल डांस होता ही है ये ठीक है जैसे अभी हम पढ़ेंगे छव तो छव भी एक तरह का मार्शल डांस है वैसे एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे सिर्फ फोक डांसेस की क्लास नहीं होगी मतलब आखिरी में दो मिनट में हम सारे मार्शल डांस भी देख लेंगे विद ट्रिक तो वहाँ आज हम फ, आ, मार्शल डांस भी देखने वाले हैं फोक डांसेस ऑफ हरियाणा पे आते हैं तो हरियाणा के क्या क्या हैं हरियाणा के आपके धमाल झूमर मंजीरा फाग फाग हमेशा कहीं पर भी दिख जाए फाग हो गया फागु इस तरह से तो ये फागुन के टाइम पे होता है फरवरी मार्च का जो महीना होता है उसको फागुन का महीना बोलते हैं होली के टाइम पे लूर दफ चरकुला खोरिया और गुग्गा तो चरकुला तो आई थिंक याद हो जाएगा आपको कि पंचकुला जगह है ना हरियाणा में तो चरकुला पंचकुला तो हरियाणा की छोरियाँ डफली और मंजीरा लेके झूमर के नीचे धमाल मचा रही हैं फागुन में ठीक है तो हरियाणा से हरियाणा हो जाएगा छोरिया से हो जाएगा आपका छोरिया से हो जाएगा खोरिया डांस ठीक है छोरिया से हो जाएगा खोरिया डफली से हो जाएगा आपका डफ डफली से हो जाएगा आपका डफ मंजीरा से हो जाएगा मंजीरा झूमर से हो जाएगा झूमर ठीक है धमाल से हो जाएगा आपका कहाँ पे है धमाल 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 से धमाल हो जाएगा आपका मचा रहे से हैं आपका मंजीरा तो हो गया ना मंजीरा मंजीरा एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है अगर तुमने देखा हो इस तरह के लगे रहते हैं उसमें मंजीरे में हमारे यहाँ गाँव में क्या होता है जैसे होली अभी हुई थी तो होली के मतलब शाम को होली के दिन शाम को इस तरह से वो फ़ाग आती है फ़ाग बोलते हैं उसको होली पे तो फाग आती है और वो लोग मंजीरा बजाते हैं एकदम और फाग गा, गाया जाती है उसको ठीक है तो फागुन के महीने में वो होती है तो फागुन से फाग याद कर सकते हैं ठीक है बाकी क्या बच गया लूर बच गया तो लूर ऐसे याद कर लो लूर, लूर 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 को भी कुछ याद कर लो लू? लूर हो गया आपका और कौन सा बचा है डफली से डफ़ हो गया पंचकुला से चरकुला याद कर सकते हो ये आपका चरकुला यहाँ पे देख सकते हो ठीक है और खोरिया चरकुला सॉरी लूर बच गया खोरिया बच गया तो सॉरी खोरिया भी हो गया छोरिया से खोरिया हो गया गुग्गा तो गुग्गा है अपना एक गुग्गा स्वामी है मान लो कोई डॉन है हरियाणा में काफ़ी डॉन ऑन रहते हैं ना तो हरियाणा का जो तो डॉन है बंदा वो एकदम चश्मा लगा के और चश्मे में क्या लिखवा रखा है इस तरह से चश्मा इस तरह से चश्मा बनवा रखा है और उसमें इस तरह से लिखवा रखा है इस तरह से बना रखा है ये एल ठीक है और लूर तो ये चश्मा हो गया उसका लूर करके लिखवा रखा है गुग्गा करके कोई डॉन है वहाँ का ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका खोरिया है ठीक है खोरिया खोरिया डांस है और ये यहाँ पर आपको देख पा रहे हो दिस इज़ योर चरकुला आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर में ये जो आप डांस देख पा रहे हैं ये है आपका रॉफ डांस जो कि ईद पर मनाया जाता है अभी ईद आने वाली ना आपकी दस तारीख कल ही तो है दस तारीख हाँ तो कल ही आई थिंक ईद है तो रॉफ जो है इसको तभी परफॉर्म किया जाता है तो इस तरह से याद कर सकते हैं हेरिस रॉफ़ भंड ढो के मनली में कूद रहा है तो हैरिस रॉफ़ कौन है आप जानते हैं पाकिस्तान का एक बॉलर है पाकिस्तान का एक बॉलर है जिसका नाम है हैरिस रॉफ़ तो ये जो हैरिस रॉफ है भंडो के भंडो के मतलब क्या होता है हम जैसे नहीं बोलते हैं कि मतलब थोड़ा पी लेता है कोई तो भंडो के एकदम नाच रहे हैं पागलों की तरह मतलब है ना, ना कुछ होश ना कुछ खबर है तो भंड हो के तो हैरिस रॉफ़ तो रॉफ से आप रॉफ़ याद कर सकते हैं भंडो से भंड पाथर याद हो जाएगा मनाली से आपको डमाली याद हो जाएगा और ये याद रखना कि जो रॉफ़ होता है ये वेमेंस परफॉर्म करती हैं जैसे मैंने आपको बताया ये रॉफ़ डांस ही है ठीक है रॉफ़ है ये तो ये विमेन ही परफॉर्म करती हैं यहाँ पे उसी तरह जैसे ये वेमेन परफॉर्म करती हैं इसी का एकदम सिमिलर टाइप होता है ईद के टाइम पे धूमल ये मेन लोग परफॉर्म किया करते हैं धूमल को ठीक है कूद रहा से कूद से कूद हो जाएगा आपका बाकी हीकट याद कर लेना अलग से ठीक है हीकट ही तो याद करना है कूद से कूद कूद डांस हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है झारखंड पे आते हैं अभी हैप्पी हिंदू न्यू ईयर सर हाँ हैप्पी हिंदू न्यू ईयर आज से स्टार्ट है हाँ जी और एक वीडियो वायरल हो रहा ना ये पाकिस्तान के प्लेयर्स का एक आज कल म्यूज़िक काफ़ी चल रहा मकसद वाला मकसद का म्यूज़िक ना तो काफ़ी पता नहीं चढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं पत्थर वत्थर लेके जा रहे हैं जैसे मानो पत्थर अब फेंकने की तैयारी चल रही है तो झारखंड के करम पैका फगुआ मुंडारी संथाली डोमकच जुमैर छऊ और हुंटा ये यहाँ के डांसेस हैं इसकी यार ट्रिक बनी नहीं जिससे अगर कोई बनाया हो तो बना सकता है और बता सकता है बाकी मेरे हिसाब से तो ऐसा याद कर सकते हैं हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे मुंडा ट्राइब थी और संथाल ट्राइब थी है ना संथाल ट्राइब से संथाल रबेली ने आपको याद आना चाहिए जिसमें जिसको लीड किया था सिद्धू और कन्हू दो ब्रदर्स थे और कब हुआ था एट्टीन में हुआ था वो तो मुंडा और संथाली तो ऐसे याद कर सकते हैं करम इतनी बार आएगा तो आप याद हो जाएगा कि भाई ईस्टर्न इंडिया का जो करम डांस है ठीक है क्लियर तो करम डांस आपका यहाँ का हो जाएगा बाकी अगर बात करें और ये ध्यान रखना जो करम है आपका ये यह यहाँ पे एक उराँव करके उराँ ट्राइब है ठीक है उरांव ट्राइब ये परफॉर्म करती है और इसको मेनली जब एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है ये एग्रीकल्चर टाइप का डांस होता है मतलब एग्रीकल्चर के जब हार्वेस्टिंग वगैरह होती है तब इसको परफॉर्म किया जाता है करम को पैका पैका ये उड़ीसा में भी होता है पैका ट्राइब भी है उड़ीसा में एक उड़ीसा और झारखंड वाले रीजन में तो यहाँ पर और ये एक तरह का जो पैका होता है ये मार्शल मार्शल डांस है ये आपका मार्शल डांस क्या होता है जिसमें थोड़ा सा एस्थेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं थोड़ा उछल कूद इन्वॉल्व होती है अभी हम देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मार्शल डांस और ये यूजुअली होता है आपका छोटा नागपुर प्लाट्यू में ठीक है जो छोटा नागपुर प्लाट्यू होता है और इसको भी जो हमारी मुंडा ट्राइब है वही मेनली इसको परफॉर्म करती है ठीक फिर क्या है हमारा दोमकच है और दोमकच के बाद झुमैर छव और उल्टा तो वही मैंने आपको बताया था देखो छव अभी उस पर अभी आते हैं छव पे तो जो झुमैर मैंने आपको बताया था झूमर रहता है आपका तो वो आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा झुमैर जो है आपको झूमुर करके देखा तो झूमुर असम में है झुमैर आपको झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलेगा क्लियर इतनी चीज ठीक है और जो दोमकच होता है ना दोमकच ये इफ एम नॉट रॉन्ग हाँ मैं सही ही हूँ ठीक है कंफर्म करेगा जो झारखंड उड़ीसा से हैं कि जब शादियाँ शादी होती है तो जो ग्रूम और ब्राइड की फैमिली होती है यानी दूल्हे और दुल्हन की जो फ़ैमिली होती हैं तो इस डांस को करती हैं दमकच उसको बोलते हैं जब ये शादी के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है ठीक है मैरिज सेरेमनी के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है ठीक है और छऊ के रिगार्डिंग अभी बताऊंगा आई थिंक छऊ तो उड़ीसा वाला आ जाने देते हैं तब मैं आपको बताता हूँ ठीक है एक छऊ आपको उड़ीसा में देखेंगे एक आपका क्या कहते हैं झारखंड हाँ ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं देखो यहीं पर देख लेते हैं जो छऊ है आपका जो एक तरह का मास्क डांस है जो छऊ है ना आपका ये मास्क डांस है और ये थोड़ा सा छऊ अगर आपको याद हो तो जब मैंने क्लासिकल डांस आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आठ क्लासिकल डांसेज हैं अकॉर्डिंग टू दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड सॉरी संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से बाकी नौ हैं एज रिकगनाइज बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो जो एक एक्स्ट्रा है वो छऊ ही है तो छऊ थोड़ा सा क्लासिकल डांस भी है छऊ थोड़ा सा फोक डांस भी छऊ थोड़ा सा मार्शल डांस भी छऊ थोड़ा सा मास्क डांस भी है तो इस तरह का है हमारा छऊ ये मेनली तीन टाइप तीन टाइप का होता है मतलब झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में परफॉर्म किया जाता है अलग अलग टाइप से थोड़ा सा परफॉर्म किया जाता है जैसे कि झारखंड में अगर बात करें झारखंड में तो इसको जाना जाता है सराई केला के नाम से किसके नाम से जाना जाता है सरई केला के नाम से जाना तो जाएगा फिर अगर हम बात करें पुरुलिया ठीक है पुरुलिया के नाम से इसको जाना जाता है कहाँ uh, लिया पूरा लिया वेस्ट बंगाल ठीक है और मयूरभंज तो मयूरभंज भंज कहाँ पड़ती है अगर याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था आयरन और के लिए फेमस है मयूरभंज और सुंदरगढ़ आपका उड़ीसा में तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है ठीक है तो ये तो आपको याद हो जाएगा हम लोगों ने जोग्राफी में पढ़ा था कि मिनरल वाले क्लास में कि मयूर भंज और सुंदरगढ़ सुंदरगढ़ में खूब ढेर सारे आयरन और मिलता है हमें पूरा लिया वेस्ट बंगाल और इसको झारखंड को ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई केला है ना तो जो केला होता है वो झाड़ पे उगता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अभी और आगे देखते हैं कर्नाटक के फोक डांसेस ठीक है तो कर्नाटक के कुछ ये यक्षगान करगा वीरगा से कुनीता भूत भूतराधने कामसाले बोलक और नागमंडल तो इसको याद कैसे करेंगे इसको याद करेंगे इस तरह से यश बोला कम कर साले डोल तो ठीक है और थोड़ा सा लैंग्वेज माइंड नहीं करेंगे याद करने के लिए यार है ना ठीक है तो लैंग्वेज थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे जो मयूर भंज में होता है इट इज़ विदाउट मास्क यस जो मयूर भंज में होता है ना ओडिशा में इट इज़ विदाउट मास्क बाकी आपके मास्क में होते हैं सर कैन यू वेट फॉर माई डाउट इन दी एंड ऑफ दिस क्लास बिल्कुल ओम प्रकाश बिल्कुल वेट करेंगे क्यों नहीं सर आज गुड़ी पड़वा फेस्टिवल है महाराष्ट्र में अच्छा ऋतिक रोशन तो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है कल देखेंगे सारे न्यू ईयर सही टाइम भी है आज ही सारे न्यू ईयर सबके चालू हुए हैं केरल में विशु चालू हुआ होगा तमिलनाडु पुथांडू चालू हुआ गोड़ी पड़वा आपका चालू हुआ होगा महाराष्ट्र में पहला बैशाख शुरू हुआ होगा आपका वेस्ट बंगाल में है ना हाँ, चलो तो अभी आते हैं तो यश जो है अब हुआ क्या कि तुमने अपने दोस्त को बोला जिसका नाम यश है तो यश आपका यक्षगान हो गया और यक्षगान से कुछ ही हमारा निकला था कि बोला कम कर साले मतलब बोला से हो जाएगा आपका क्या बोला से भी कुछ होगा चलो नहीं है तो नहीं है रहने देते हैं साले से अब हो जाएगा वो काम साले ठीक है डॉल नहीं तो होगा क्या बोला गया नहीं तो होगा क्या डॉल जो है भूत बन के आएगी अब तुमने देखा होगा पुराने फिल्मों में इस तरह से ठीक है इस तरह से डराते हैं ना डॉल को दिखा के भूत बना के तो डॉल जो है भूत बन के आएगी नागों की मंडली लेके और वीरता तुम्हारी खत्म कर देगी पूरी ठीक है वीरता खत्म कर देगी अच्छा हम लोगों ने वीर वीर सॉरी वीर गा से वहाँ पर भी देखा था ना अगर आपको याद हो आंध्र प्रदेश में और हमने लंबाड़ी देखा तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो वीर लोग होते हैं वो लंबे होते हैं तो तेलंगाना में भी देखेंगे उस चीज़ को तो डॉल से डोलुकनीता हो जाएगा आपका भूत से भूत आराधना हो जाएगा नागमंडली से नागमंडल हो जाएगा और वीरता खत्म कर देगी तो वीरता से आपका वीर गा से हो जाएगा वीर गा से ठीक है ख़त्म से कर दे कर देगी से करगा हो जाएगा कोई बचा ही नहीं और हाँ बोला कम कर तो बोला से हो जाएगा आपका बोलक डांस सारे हो गए आपके यश बोला कम कर साले डोल भूत बन के आएगी नाग मंडली लेके आएगी और वीरता खत्म कर देगी तुम्हारे तो ज़्यादा वीर मत बना करो तो ये आप एडवाइस दे रहे हो अपने फ्रेंड यश को है ना तो आपको जब रिवाइज़ करना है तो ऐसे रिवाइज़ करना है राइट साइड में नहीं देखना कि हाँ यश यक्षगान हो गया बोला से बोलक हो गया साले से काम साले हो गया डॉल से डोलकनीता हो गया भूत से भूत तरह हो गया मैं देख नहीं रहा हूँ ठीक है आपको भी देखना नहीं है वहाँ पर ठीक है नागमंडल नागमंडल हो गया आपका वीरता से वीरगा से हो गया कर देगी से कर का डांस हो गया अभी आते हैं केरल के तो केरल के कौन कौन से डांसेस हैं आपके तो केरल के हैं ओट्टम थुलाल कालीअट्टम कानीअट्टम अट्टम कोला काली झोला झाली ठीक है थप्पू काली कूरा वर काली थिरुवती काली च्यारू थे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम कोला काली और अट्टम अट्तम, टट्टम मतलब इतना सब करके ठीक है तो अगर हम बात करें तो याद कैसे करना है तो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो ली मतलब अब है क्या ना ये अट्टम आपको दो स्टेट में देखने को मिलेगा या तो केरल या तो तमिलनाडु या केरल या तो तमिलनाडु बस इन्हीं दो स्टेट में अगर, अगर अट्टम दिख जाए या तो केरल मारो या तो तमिलनाडु मारना आपको ठीक है या तो केरल या तो तमिलनाडु अभी एक नागालैंड में भी एक अट्टम आएगा उसको हम देखेंगे वो एक एक्सेप्शन है नहीं तो केरल या तो तमिलनाडु होगा अब अगर दोनों ऑप्शन में तो कैसे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे तो अगर ली अट्टम नी अट्टम दी अट्टम इस तरह से ली दी नी टी पी टी इस तरह से हो आपको तो वो आपका केरल का होगा और जहां पे डा डा इस तरह से होगा अभी हम देखेंगे तमिलनाडु में क्योंकि अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल चलने तो आगे देखेंगे जब तमिलनाडु आएगा ला डा टा इस तरह से होगा वहां पर ली नी दी ए टम करके ओटम थुलाल ये इंपॉर्टेंट है ओटम थुलाल को पता है कब परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे ओट्टम थुलांग ये जब आपका तेयम करके फेस्टिवल होता है ठीक है तेयम ठीक है तेयम ठीक है तेयम तेयम करके ये सॉरी तेयम करके फेस्टिवल सॉरी 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 यहां पे आपका तेयम लिखा हुआ है तो तेयम जो होता है तेयम के टाइम पे आपका तेयम डांस परफॉर्म किया था तेयम यहाँ का एक फेस्टिवल भी है तेयम तेयम साउंड्स लाइक दै, दैवम ठीक है तो यहाँ पे जो देव होते हैं उनके लिए परफॉर्म किया है उत्तम थुलाल के पीछे की कहानी ये कि यहाँ पे एक वो क्या नाम था उनका हाँ कुंचन नाम भी यार ठीक है कुंचन नामबियार नाम था उनका तो ये जो कुंचन नामबियार है ये कथक कली परफॉर्म करना चाहते थे तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो कथक कली हमने इसी तरह से पढ़ा था जो एक तरह से बहुत फेस में क्या लगता है बहुत सारे कलर्स लगते हैं और कथक कली को हमने देखा था ये किस पर्टिकुलर उसको दर्शा रहा था फायर को विंड को स्काई को अर्थ को किसको वो कर रहा था सिम्बलाइज़ कर रहा था कौन से एलिमेंट को एंड हमने देखा था कि जो डिफरेंट कलर्स हैं वो भी किसी न किसी चीज़ को सिमलाइज़ कर रहे हैं और ये एक इसको हम बोलते हैं डॉन कि ये अराइवल ऑफ़ डॉन यानी कि जो अराइवल ऑफ़ मॉर्निंग है उसको वेलकम करता है ये डांस तो ये कुंचिन नामिया परफॉर्म करना चाहते थे टेम्पल्स में बट इनको परफॉर्म करने दिया नहीं गया बेजित करके भगा दिया गया ठीक है तो ठुकरा के मेरा प्यार ठीक है इंतगाम तो देखिए कि टाइप इन्होंने सोचा बदला लेने का तो कुन नाम्बियर ने एक तरह से खुद का कथक कली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया खुद का अपनी स्टाइल में जहां पे वो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की सारी चीज़ें दिखाते थे थोड़े से हास्य मतलब कि थोड़े से हास्य जिसको व्यंग बोलते हैं तो हास्य व्यंग में वो दिखाते थे स्काई 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 को दिखाते हैं भैया है। जो लोग एयर बोल रहे हैं तो एयर में याद पढ़ो मोहिनी एट्टम था एयर में बताया था कि यह बहुत जर्क्स के साथ परफॉर्म नहीं किया जाता है मोहिनी अट्टम मोहिनी एटम को बहुत ही स्मूथ फ्लो में जिस तरह से एयर ना हवा का फ्लो होता है हवा के फ्लो में परफॉर्म किया था ऐसे याद कर लो कि बहुत ही आराम आराम से और जो हमारा भरतनाट्यम होता है वो फायर को दिखाता है क्योंकि उसमें देखा तो उसी तरह के पोज होते हैं जो हमारा भरतनाट्यम होता है है ना और कुचिपुडी किसको दिखाता है कुचिपुडी अर्थ अर्थ को दिखाता है क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे ब्रास की प्लेट होती हैं और उसके ऊपर खड़ी होके और ऊपर लोटा रख के उस तरह से तो वो अर्थ के साथ मिल रही हैं इस तरह से आपको याद रखना है ठीक है तो ट्रिक यहाँ पे यार कुछ नहीं है बस ली दी यट्टा मट्टा मट्टम आपको ध्यान रखना है कोला काली ठीक है थप्पू काली 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 अगर दिख जाए काली 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 ठीक है करे में तो संभाली तो ये केरल के होंगे ठीक है और अट्टम आपके वो भी केरल के हैं ये कौन सा है आपका ये भी कोई है यार इसमें कौन सा है ये आपका ये भी कौन सा है ये चक््यार कोतू है चक्यार कोतू इसमें जो महाभारत की टेल्स हैं वो दिखाई जाती हैं इसमें चक्यार कोतू में जो महाभारत की टेल्स होती हैं उनको दिखाया जाता है यहाँ पे चक्याकुतू में अब आते हैं मध्य प्रदेश में एमपी पे तो एमपी में जवारा मटकी फूल पत्ती तरताली ध्यान रखना तरताली अलग होता है तेरह ताली अलग है तेरह ताली है राजस्थान का तरताली मध्य प्रदेश का सैला अदा खड़ा नाच भगोरिया कक्सर माच नाच ठीक है तो कक्सर अगर याद हो तो हिमाचल सॉरी छत्तीसगढ़ में भी पड़े थे और मैंने आपको बताया था वहाँ कक्सर अबुज मारिया ट्राई परफॉर्म करती है तो यहाँ की याद करने की ट्रिक क्या है अक्सर गोरिया अब तुम अगर मध्य प्रदेश के होगे तो ट्रिक विक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें क्योंकि तुम्हें याद है पहले से दो तीन हैं तो उनको याद कर लो फालतू में ट्रिक का लोड मत बढ़ाओ ठीक है जहाँ पे तुम्हें याद नहीं हो रहे यार याद ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर ट्रिक के लिए जाओ अक्सर गोरियाँ आधा अब मुझे तो नहीं पता ना तुम्हें कहाँ के नहीं याद है अब जैसे मुझे यूपी का हूँ तो मुझे यूपी के तो सारे याद होंगे वैसे तो मुझे पढ़ा पढ़ा के सारे याद हो गए हैं लेकिन अगर मान लो कि मैं ठीक है जैसे अगर मैंने जब पहली बार पढ़ा होगा तो मुझे यूपी के आते होंगे ठीक है तो अक्सर गोरिया अदा दिखाने के लिए मटकी में जवारा और फूल पत्ती रख के मंच पे खड़ा नाचती हैं और ताली बजाती हैं तो अक्सर से कक्सर हो जाएगा ठीक है अक्सर से आपका कक्सर हो जाएगा गोरिया से भी कुछ होगा भगोरिया ठीक है भगोरिया हो जाएगा आपका अक्सर से भगोरिया अदा अदा से अदा डांस हो जाएगा आपका ये लिखा हुआ है दिखाने से आपका कुछ नहीं होगा ठीक है मटकी से मटकी डांस हो जाएगा ये मटकी डांस है आपका जवारा से जवारा और जो जवारा होता है ना ये हार्वेस्ट डांस होता है हार्वेस्ट डांस का मतलब होता है कि जब फसल की कटाई होती है तब परफॉर्म किया जाता है और जो फूल पत्ती है ये जो फूलपत्ती देख रहे हैं ये अनमैरिड गर्ल्स करती हैं अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं ये परफॉर्म करती हैं और इसको ये जो मध्य प्रदेश में जो मालवा रीजन है वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है इसको मालवा रीजन में फूल पत्ती को और क्या वो रख के मंच मंच से भी कुछ होगा ये माछ हो जाएगा मंच से माच हो जाएगा मंच से खड़ा नाचती हैं तो खड़ा नाचती हैं कोई बचा है। ताली बजाती हैं ठीक है तो ताली से आपका ताली से क्या हो जाएगा तरताली हो जाएगा ठीक है ताली से तरताली हो जाएगा और जो तरताली है ना ये कमर ट्राइब है यहाँ पे परफॉर्म करती है कमर ट्राइब परफॉर्म करती है तो जो जो तरताली है ट्राइब भाई बाद में याद करना पहले तो तुम्हें स्टेट याद होनी चाहिए बच्चा कौन सैला 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 बच्चा और कौन सा बच्चा है और तो सारे हो गए तो सैलाब में आई थिंक ट्रिक में फिट नहीं बैठ रहा है तो सैलाब को आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं ठीक है तो अक्सर गोियाँ अब आपको करना क्या है अगेन राइट साइड में नहीं देखना तो अक्सर से कक्सर हो गया गोरिया से भगोरिया हो गया आदा से आदा हो गया मटकी से मटकी जवारा से जवारा फूल से फूल पत्ती मंच से माच कोशिश मैंने की जितना डायरेक्टली रिलेट हो ठीक है जवारा डायरेक्टली जवारा ये फूल पत्ती डायरेक्टली आपका फूल पत् ही है है ना और फूल पत्ती से ही आप तरताली या फिर ताली ताली से तरताली बना सकते हैं ठीक है ताली तरताली ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा होगा ये होगा आपका ये हार्वेस्ट डांस जवारा है ना जवारा लेके जा रही हैं जब हार्वेस्ट यानी कटाई होने के बाद इसको बोल सकते हैं ठीक है एंड ये आपका कौन सा है ये जो अनमैरिड गर्ल्स परफॉर्म करती हैं दैट इज़ फूलपति ठीक है फूलपति डांस है जो अनमैरिड गर्ल्स परफॉर्म करती हैं अब आते हैं मणिपुर पर मणिपुर इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल स्टेट तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो थांगटा लाई हरोबा डोल चलोम पुंगच चलोम रास लीला जगोई खम्बा थोईबी नुआ इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि थांगटा तो अभी हम पढ़ेंगे ही मैं को ट्रिक से पढ़ाऊँगा कि जब ये एक तरह का मार्शल डांस है यहाँ का लाई हरोबा हरो तो देख सकते हैं इस तरह से ट्रिक यहाँ पे आपकी कि भाई एक डॉल है ठीक है डॉल है डॉल जो क्या कर रही है और पुंग चुलोम मैंने आपको पढ़ाया था पुंग चलोम आपको याद आ रहा है पुंग चलोम ये आपका पुंग ही होता है ठीक है मेघालय के हैं लेकिन पुंग मैंने तुम्हें बताया था जब मणिपुरी डांस बता रहा था तो मणिपुरी मैंने बताया था ना कि जो चोलोम होता है ये मैस्कुलिन टाइप का डांस होता है मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है ये ठीक है जो मेल परफॉर्म करते हैं और ये एस्थेटिक टाइप का होता है और ये पुंग एक तरह का ड्रम टाइप होता है जिसको ये ले हवा में उछलते हैं और बजाते हैं उसको हैं तो पुंग चोलोम तो चोलोम डांस है मैस्कुलिन टाइप का मणिपुर में और पुंग वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है जागोई भी पढ़ाए थे जागोई और चोलोम रासलीला भी पढ़ाए थे तो ये तीनों तो पहले से याद हैं तुम्हें ठीक है अब जो डॉल है वो क्या कर रही है डॉल ने डॉल डॉल क्या है वही वही वाली डॉल है जो पीछे अभी देखे थे डॉल्लू को नहीं था ना बोला कम कर साले नहीं तो डॉल आएगी याद करो आंध्र प्रदेश वाले तो वही जो डॉल है क्या कर रही है ठीक है वही डॉल जो है वो लाई खा रही है लाई खा रही है और लाई किसके साथ खा रही होगी लाई, 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 लाई को वो एक तरह से चखने के रूप में ले रही है वो और वो खंभे के साथ जो है उसको चढ़ा रही है डॉल जो है तो डॉल चलो ठीक है डॉल चलो लाई अरोबा खंबा थोई भी आई होप समझ गएं खंबा क्या होता है नहीं समझे तो कोई नहीं याद कर लो डोल डोल चलोम वैसे अगर तुम्हें पुंग चलोम याद हो गया है पुंग चलोम तो डोल चलोम याद करने में क्या ज़रूरत है फिर आ, क्या दिक्कत है और लाई हरोबा तो वैसे ही बताया था तुम्हें क्लासिकल डांस पढ़ाते वक्त भी कि लाई हरोबा यहाँ बहुत पहला और यहाँ पे जो माई बा और माई बीज होते हैं माई बा कौन होते हैं माई बी कौन होते हैं जिसको परफॉर्म करते हैं लड़के होते हैं लड़कियां होती हैं ये तो आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए ठीक है चुलोम चिलोम चुलोम यहाँ पे आ जाए मणिपुर है लाई हरोबा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रटो इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत ना पड़नी चाहिए खम्बा थो बस थोड़ा सा याद कर लो खम्बा ठीक है चलो अब अभी आते हैं मेघालय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है मेघालय में अगर बात करें तो मेघालय में, में नोंग क्रैम वंगाला बेहदन कलाम और शत शुक्र अब याद कैसे करना है तो आपको पता है कि जो हमारा ये मेघालय स्टेट है कुछ इस तरह से दिखता है असम के सॉरी बांग्लादेश के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पे और अस सिर्फ असम से ही बाउंड्री शेयर करता है हम लोगों ने जॉग्रफी में पढ़ा था सिर्फ असम से तो गारो खासी जयंतिया तीन ट्राइब्स हमने पढ़ी थी जो किस पर्टिकुलर प्लेट्यू का हिस्सा हैं ये किस पटिकुलर प्लेट्यू का हिस्सा है और किसको किस प्लेट्यू के नाम से जानते हैं तो ये गारो ट्राइब है सबसे पहले देन ये खासी ट्राइब है एंड देन ये जैंतिया ट्राइब है ठीक है जैनतिया ट्राइब है तो ये जो गारो ट्राइब है ना गारो ये परफॉर्म करती है वंगाला इसको हम किस फेस्टिवल के नाम से जानते हैं काफी लोग जानते होंगे मुझे पता है कि मैंने काफी बार ये बताया है खासी की अगर कर बात करें तो ये परफॉर्म करते हैं आपका नोंग क्रेम नोंग क्रेम ये आपके फेस्टिवल भी होते हैं ठीक है और एक्चुअल में तो ये नॉन नॉन्म है याद कैसे रखेंगे कि भाई जो लोग नंगे में कर्म करते हैं उनको खांसी हो जाती है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तुमने देखा होगा गांव में बारिश होते ही बस तुरंत नंगे होके तुरंत मतलब कपड़े कपड़े उतार के तो भाग जाते हैं तो क्या होगा भाग जाएंगे नहाएंगे बारिश में तो क्या हो जाएगा खांसी नहीं हो जाएगी उनको तो नॉन क्रेम खांसी जैनतिया की अगर कर बात करें तो बहदिन खलाम ठीक है जैनतिया बहदिन कलाम और ठीक है याद कर लो कुछ जया जया से कलाम जया कलाम इस तरह से कुछ बना सकते हो और जो बंगा है इसको हम फेस्टिवल ऑफ़ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से जानते हैं ठीक है फेस्टिवल ऑफ़ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से जानते हैं और हमने यहीं पढ़ा था खासी में ही आपकी हाई मोहसिन राम और चेरा पूंजी लोकेटेड है जहाँ पे इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है खासी हिल्स में ही और उसका रीज़न भी हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है कि वो जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है तो यहाँ पर जब हिट करती है तो खूब बारिश करवाती हूँ उससे तो ये एक्चुअल में है आपका करबी अंगलोंग प्लाटिव इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं करबी अंगलोंग प्लाटिव और ये पार्ट पेनिनसुलर प्लेटिव का ही है पेनिनसुलर प्लाटिव के दो पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने एक तो सेंट्रल हाईलैंड और एक डेक्कन प्लाटिव तो जो डेक्कन प्लाटिव का जो यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन हमने पढ़ा था राजमहल हिल्स तो राजमहल हिल्स या फिर डेक्कन प्लेटिव या फिर पेनिनसुलर प्लाटिव का प्लाट ही एक्सटेंशन है इसको कि सेपरेट करता है मालदा गैप या फिर मालदा फॉल्ट बस एक याद कर लो आप शुक्र ठीक है शद शुक्र याद कर लो ठीक है जो मेघालय का आपका तो गारो खाँसी जयंतिया गारो का बंगाला जिसको फेस्टिवल ऑफ़ हंड्रेड ड्रम्स के नाम से जानते हैं खासी एक्चुअली फेस्टिवल ऑफ़ हंड्रेड ड्रम्स यहाँ पे फेस्टिवल नहीं पढ़ रहे हैं डांस ही पढ़ रहे हैं लेकिन ये डांस जो है फेस्टिवल के रूप में भी होते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए खासी नॉन्क्रेम और जैनतिया बैदिन कलाम अभी आते हैं मिज़ोरम पे तो लोकेशन भी आप देखते मतलब अपने दिमाग में वो रखी है ठीक है कि अरुणाचल है अरुणा मामी मैंने आपको बताया था अरुणा मामी इस तरह से ठीक है ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं तो अरुणाचल नागालैंड मणिपुर मिजोरम अरुणा मामी फिर यहाँ पे त्रिपुरा है यहाँ पे मेघालय है आपका है ना यहाँ पे सिक्किम है आपका यहाँ पे कुछ ठीक तो अभी सिक्किम में आया नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आगे आएगा तो अभी एम पे हम लोग चल रहे हैं तो मिज़ोरम में है आपका चिराव खुल्लम चेलम मंच जंग टालम और छिलम ये आपके कहाँ के डांसेज है मिज़ोरम के याद करने की ट्रिक क्या है मिज़ोरम के मंच पे खुल्लम चिल्लम खुल्लम खुल्ला चिल्लम चल रही है चिल्लम समझते हो ना चिल्लम है वो क्या होता तो वो सिगरेट टाइप होता है वो चिल्लम है ना चिलम चिलम बीड़ी टाइप जो पुराने लोग पीते थे चिलम पता होगा ना सभी को चिलम तो मिजोरम के मंच पे खुल्लम खुल्ला एकदम चिल्लम चल रही है चिल्लम चल रही और चिल्लम चलेगी तो भैया जंग चलेगी मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि एकदम जंग चल रही फिर हीरो आएगा हीरोइन नाचेगी उसमें और पता चला पत्ते चल रहे हैं या फिर उसमें लड़ाई हो रही है जो जीतेगा वो ले जाएगा इसको तो इस तरह से दिखाया जाता है ना तो इस तरह से मतलब आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा कि मिज़ोरम के मंच पे खुल्लम खुल्लम एकदम चिल्लम और चिल्लम जंग चल रही है तो मिज़ोरम से मिज़ोरम मंच से मंच मंच खुल्लम से आपका हो जाएगा खुल्लम चिल्लम से हो जाएगा चिल्लम जंग से हो जाएगा जंगटलम और चल रही से हो जाएगा आपका छिलम चल रही से छिलम और चल रही से आप याद कर सकते हो चिराव को भी चिराव सबसे से इम्पॉर्टेंट है चिराव ही सबसे इम्पॉटेंट है ध्यान रखना जो चिराव यहाँ का डांस है मिजोरम का चराओ खुल्लम चिल्लम मंच जंगटालम और छल्ला ठीक है क्लियर यहाँ तक सभी को कोई डाउट तो नहीं है गांव में जी गांजा पीते हैं। हाँ गांजा पीते हैं इसमें हाँ गांजा पीते हैं शायद हाँ इसमें चलो फोक डांसेस ऑफ महाराष्ट्र तुम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हो वैसे इन मामलों में है ना <laughs> चलो अभी आते हैं महाराष्ट्र पे तो महाराष्ट्र की हमारी ट्रिक है विराट कोहली से आज मैच है क्या विराट कोहली का क्यों सी बी का मैच है क्या चलो कोई नहीं तो ए कोहली वड़ा पाव ला ना ऐसा रोहित शर्मा ने नहीं बोला उन्हें ऐसा उनकी वाइफ किसने बोला अनुष्का शर्मा ने बोला आप में से काफ़ी लोगों ने रील देखी होगी जो मैंने डाली थी यूट्यूब पर मैंने कुछ फोक डांसेस की रील डाल रखी हैं अगर आप वाइट यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट सेक्शन में चेक करें तो तो अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था कोहली चौका मारना चौका मारना आपने देखा होगा है ना तो नहीं अगर आपने देखा तो वो वाइटी शॉट में जाकर वो देखिएगा है ना तो इस बार वह अनुष्का शर्मा क्या बोल रही ए कोहली वड़ा पाव लाना ठीक है क्योंकि उन्होंने देख लिया रोहित शर्मा को खाते हुए तो उन्होंने बोला हमें भी वड़ा पाव चाहिए तो अब गुस्सा हो गए कौन हमारे विराट कोहली जी तो बोलते हैं लेजी कहीं की तमाशा कर रही है दफा हो जाए वरना मैं मौनी जो ढंग का नाटक करती है उसके साथ उसके पास चला जाऊंगा तो ये हमारे कोहली जी ने बोला अब वड़ा पाव जो है ये महाराष्ट्र से लेट आप कर सकते हैं ना महाराष्ट्र का क्या है एकदम बढ़िया महाराष्ट्र में तो फेमस है वड़ा पाव तो कोहली से हो जाएगा कोहली डांस वड़ा पाव से हो जाएगा जो कि कोली ट्राइप परफॉर्म करती है वड़ा पाव से पाव डॉफ डांस लाना से लावनी डांस लेजी से लेजिम डांस तमाशा से तमाशा डांस दफ़ा से गफा डांस मौनी से मौनी डांस ढंका से ढंगारी डांस नाटक से नाटक डांस खत्म हो गया ट्रेक में याद करना पड़ा एकदम रट गया आपको तुरंत ठीक है देखा आपने कोहली से कोहली डांस वड़ा पाव से पाव डॉ डांस लाना से आपका लावनी डांस और लावणी में ध्यान रखना एक परफॉर्मेंस होती है इसको बोलते हैं बैठा खींची ठीक है बैठा खींची करके किस में परफॉर्मेंस होती है ठीक है और लेजी से लेजिम तमाशा से तमाशा डांस दफा से गफा डांस मौनी से मौनी डांस ढंग का ढांगारी डांस ठीक है और डस ढांगारी डांस और मोनी इसके पास मौनी को जानते ना मतलब मौनी मतलब वो मौनी रॉय करके एक मतलब जो सीरियल्स में नहीं आती थी पहले भी मूवीज़ वगैरह में भी आती है वो तो ऐसे याद कर लो वो उसको सीरियल्स को नाटक ही तो बोलते हैं हम लोग की नाटक 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 तो नाटकों में पहले आती थी तो जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा हमारे कॉलेज ने बोला ठीक है चलो तो अभी आते हैं नागालैंड में चलो तो नागालैंड पे आते हैं अभी नागालैंड के देखते हैं तो नागालैंड में रेंगमा आलू यट्टू बम बं, बम्बू चौक चंगाई और जीलम तो यहाँ पर अपने नाम होता था अट्टा मट्टम तो ये आलू यट्टू है इसको केरल और तमिलनाडु से कन्फर्म कन्फ्यूज़ मत करना वहाँ पर अट्टा मट्टम चलता है और मैंने बताया था दी अट्टम ली अट्टम जो भी ई ई टाइप का अट्टम होगा वो केरल का होगा जो आ द ला टाइप का आट्टम होगा वो आपका तमिलनाडु का होगा जो अभी देखेंगे तो इस तरह से याद कर सकते हैं नागालैंड के लोग अब जिन लोगों को नागालैंड के पता के बारे में पता होगा तो वहाँ पर एकदम जो कुत्ते उत्ते आपको देखने को नहीं मिलेंगे सब ना तुरंत मारा भाला और रात का भोजन यही होता है रियलिटी वहाँ पर नागालैंड जाना मत कभी ऐसे बिना से के ठीक है तो नागालैंड में एक्चुअल में वहाँ पर लोग नॉनवेज होते हैं और इसी तरह से थोड़े से ट्राइबल लोग ज़्यादा होते हैं तो कुत्ते उत्तों को मार के इस तरह से खाते हैं जो उन्होंने सुना है तो नागालैंड के लोग बैम्बू में क्या कर रहे हैं नाग को नाग डाल रहे हैं नाग को मारा आलू को मारा बटरफ्लाई को मारा गाय को मारा ठीक है थोड़ा सा इस तरह से याद करने के लिए और डाल के खा रहे हैं ठीक है तो नाग क्या करता है नाग रेंगता बहुत है ना तो नाग रेंगमा आलू से आलू यट्टू बम्बू से बम्बू डांस और बटरफ्लाई से यहाँ पे बटरफ्लाई भी डांस होता है एक ध्यान रखना बटरफ्लाई भी डांस होता है गाय से चांग गाय डांस गाय से चांग गाय डांस और जब ये सब करेंगे तो जेल जाएंगे तो जे डांस ठीक है जब गाय को मारेंगे तो भाई जेल जाएंगे तो जे डांस तो रेंगमा जो नाग होता है वो रेंग रेंग के चलता है आलू बम्बू और बटरफ्लाई और जेल जाएंगे ठीक है और गाय से चांग गाय डांस चोंग बस थोड़ा सा देख लेना है क्लियर आगे बढ़ें अभी और अगला है हमारा स्टेट उड़ीसा या फिर उड़ीसा ठीक है उड़ीसा मुझे मतलब तो उड़ीसा हिंदी नेम है और उड़ीसा इसका इंग्लिश नेम है ठीक है तो उड़ीसा पुराना नाम भी है तो उड़ीसा के ये आपके फोक डांसेस है गोती पुआ दाल खाई डंडारी घूमरा भाग नाचा मयूर भंज छऊ कर्मा और अनप्पा तो इसके लिए भी ट्रिक है आपके लिए ठीक है आप चिंता मत करिए सारे उसके लिए ट्रिक है पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके भाग के नाचा पुआ से गोती पुआ तो हम बताए थे जब ओडिसी डांस के बारे में पढ़ा रहे थे कि गोतीपुआ लड़के होते थे वो लड़के होते थे जिन्होंने ओडिसी डांस को रिवाइव किया जब उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल में जगन्नाथ टेंपल टेम्पल में इसको परफॉर्म करना स्टार्ट किया कि इन्होंने गोतीपुआज ने गोतीपूआ कौन है लड़के जो ये परफॉर्म करते थे उड़ीसी डांस तो पुआ से गोती पुआ दाल खाई से दाल खाई डंडा लेके डंडारी डांस भाग के नाचा और घूमरा ठीक है भाग के नाचा भाग के नाचा भाग नाचा और घूम रहा है दोस्तों के साथ भाग के नाचा और फिर घूम रहा है दोस्तों के साथ घूम रहा मयूरभंज छऊ तो पहले याद हो गया तुम्हें याद करो मैंने तीन तरह के छू पढ़ाए थे आपको एक तो सराई केला केला कहाँ उत है झाड़ में तो झारखंड हो जाएगा आपका मयूरभंज आपका मयूरभंज छऊ आपका उड़ीसा में और एक था पुरुलिया तो पुरुलिया तो वेस्ट बंगाल में भी देखेंगे ठीक है कर्मा ठीक है तो ये भी क्या है ये गोती पुए जो पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके भाग के नाचा घूम रहा तो क्या क्या सब है ये मतलब कर्म नहीं कर रहा और सारे काम कर रहा है तो कर्म नहीं कर रहा कर्म देखे तो वहां पे भी छत्तीसगढ़ में भी कर्मा डांस और रनप्पा डांस एक हो जाएगा आपको यहाँ पे ठीक है अभी आ जाते हैं राजस्थान पे <coughs> सॉरी राजस्थान पे आ जाते हैं और किसी का यहां तक तो कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा राजस्थान के ये हमारे डांस है फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या है इसकी हाँ पैका इसमें ऐड कर लो ठीक है पैका जो मैं बता रहा था पैका ट्राइब यहाँ परफॉर्म करती है और एक जो पैका होता है ये एक तरह का मार्शल यहाँ का डांस है मार्शल डांस है ठीक है जो छोटा नागपुर प्ल्टी वाले रीजन में परफॉर्म किया जाता है भाई दी मुंडा ट्राइब तो पैका भी इसमें नोट डाउन करना अभी आते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में एक राजा राजा गंगा कल घूम रहे थे चार थाली लेके सुसैनी के साथ राजा से राजस्थान गंगा से गंगौर डांस और गंगौर जो डांस है ना ये फेस्टिवल के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है माता पार्वती को डेडिकेटेड है ये पूछा जा चुका है गंगौर डांस ठीक है कल से कलबेलिया डांस जो कि स्नेक ट्राइब परफॉर्म करती है यहाँ की स्नेक ट्राइब होती है और एक हमारे गुलाबो सपेरा करके इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस एक्सपोनेंट है नाम पता होना चाहिए गुलाबो सपेरा नाम में ये सपेरा ठीक है और गुलाबो सपेरा का ध्यान रखना दो में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जो भारत का चौथा ये सिविलियन अवॉर्ड है ठीक है घूम रहे से घूमर डांस जो कि यहाँ की भील ट्राई परफॉर्म करती है चार थाली से तेरह ताली हो जाएगा तरताली है मध्य प्रदेश का चार तेरह ताली है राजस्थान का ठीक है सुसैनी सुसिनी अब सुसैनी के साथ क्यों घूम रहे हैं अब याद करो भाई जैसे सुसैनी आई थिंक जो ऋतिक रोशन की जो वाइफ थी पुरानी वाली तो वो उनका नाम सुसैनी था कुछ ऐसा सुसैनी हैदर करके जो भी सुसैन खान कुछ सुसैन खान ऐसा जो भी नाम था वो सुसैनी टाइप का तो ऐसे याद कर लो कि भाई अब दोनों लोग का डिवर्स हो गया तो आपने देखा होगा ऋतिक रोशन किसी के साथ घूम रहा है तो वो किसी के साथ घूम रहे हैं तो सुसैनी थोड़ी ना खाली रहेंगी अब जैसे अरबाज़ खान है अपना ठीक है तो उसने देखा कि मलाइका तो अपना सेटल हो गई है तो हम क्यों भाई ऐसे रहें तो हम भी सेटल हो जाते हैं तो ऐसे ही अब सुसैनी जी जो, जो उनको लगा तो हम भी सेटल हो जाते हैं तो वो राजा गंगा के साथ आजकल आज घूम रही हैं जैसे कि ऋतिक रोशन घूम रहे हैं तो ऋतिक रोशन फेमस है तो उनका दिख जाता है वो वायरल बिहानी वाले <laughs> एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं सुसैनी जुत्ती फेमस नहीं है ना तो वायरल बिहानी वाले ज़्यादा गौर नहीं देते उन पर गौर नहीं फरमाते हैं ठीक है तो सुसैनी जो है राजा गंगा के साथ कल घूम रही थी चार थाली लेके तो ऐसे आपको याद हो जाएगा और चार से याद हो जाएगा क्या चार से चार ही याद हो जाएगा थाली से तरता तेरह ताली याद हो जाएगा ठीक है सुसैनी से सुसिनी डांस याद हो जाएगा आपको ठीक है तो गंगौर जो है माता पार्वती और कलबेलिया स्नेक ट्राइप और घूमर भील ट्राइप परफॉर्म करती है इसको इंडिया की सबसे तो लार्जेस्ट ट्राइप कौन सी बताओ जल्दी से अभी आते हैं सिक्किम पे सिक्किम के हाँ गुलाबो ज़रा इत्र गिरा दो अच्छा गुलाबो ज़रा इत्र गिरा दो इससे तो कोई ट्रिक नहीं बन रही भाई मलाइका मैम मलाइका मैं मैं एक फोटो पीछे से है ना पीछे से एक फोटो खींचते हैं फिर बोलते हैं गैस हूँ बोले मतलब क्या ही बोला जाए सिक्किम के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रिक लिखिए खुद से हम नहीं लिखेंगे इसमें तो चूफाट जोमल लोग सिकमारी य शाम या, या, शाम मैंने आपको बताया था वही यक श्याम जिसमें वो मैंने वो जब वे मेट का म्यूजिक वो चलाया था म्यूजिक नहीं था उसमें यक श्याम तो यक श्याम जो है आपका सिक्किम में अरुणाचल में लद्दाख में ठीक है मरूनी घंटू सिंगी छाम यक छाम सिंगी छाम ऐसे याद कर सकते हो दोनों को और कगेट कगेट यार इम्पोर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया चू फाट जो है ना ये कंचनजंगा करके यहाँ कि इंडिया की हाइएस्ट पीक है जो कि आपको पता होगा सिक्किम में लोकेटेड इसकी हाइट बताइए तो ये एक्चुअल में गॉड के तौर पे इनको वर्शिप किया जाता है लॉर्ड कंचनजंगा को चू फाट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके ठीक है और ये जो चू चूफाट और जो जोमल लोग हैं इन दोनों को लेपचा ट्राइब परफॉर्म परफॉर्म करती है इसको लेपचा ट्राइब इसके लिए ट्रिक नहीं है जैसे सिकमारी तो सिक्किम से याद हो जाएगा यक्षाम और सिंगी छाम भी याद हो जाएगा ठीक है चू फाट कंजन जंगा से रिलेट करके याद कर सकते हो और कगेड देख लेना थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद बोलना ठीक है घंटू मंटू में घंटू मरूनी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं मैंने लिख दिया है क्योंकि कुछ लोग फिर बोलने लगते हैं कि सर ये भी तो होता है और कई कभी, कभी कभी पूछ भी लेता है बहुत रेयर होता है लेकिन कगेड इंपॉर्टेंट है चू फाट इम्पॉर्टेंट है जोमल लोक इंपॉर्टेंट है ठीक है और यक्षाम ये चार इंपॉर्टेंट है अभी आते हैं तमिलनाडु पर तो मैंने क्या बताया था आपको अट्टमअट्टम वाला एक तो अट्टम ठीक है अट्टम मतलब लाअ्टम ठीक है लाट टम बट टम ठीक है यहाँ पे ई एटम पी एटम दिख रहा नहीं दिख रहा राट टम तो ये इस तरह के जो अट्टम होंगे वो तमिलनाडु में होंगे कुम्मी हो गया और कावड़ी कावड़ी मैं आपको दिखाता हूँ ये कावड़ी होती हैं जैसे कांवड़ा यात्रा निकलती है आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे वहाँ पे कावड़ी निकलती है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक भगवान है जिनका नाम है वो मुर्गन ठीक है मुर्गन भगवान कार्तिक जो हैं उन्हीं के ही रूप है मुर्गन मुरुगन तमिलनाडु में बहुत सेलिब्रेट किए जाते हैं तो उन्हीं के लिए निकाली जाती कावड़ी यात्रा कावड़ी डांस परफॉर्म किया जाता है जिसको कि बर्डन डांस भी बोलते हैं बर्डन डांस बर्डन डांस क्यों बोलते हैं क्योंकि ऊपर बाहर रखा हुआ है ना इसलिए तो और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना ये जो चीज़ है इसको स्पीयर बोलते हैं और ये भगवान कार्तिक का ये भग जैसे कि शिव जी का त्रिशूल होता है तो ऐसे ये भगवान कार्तिक जी का है और ये एक्चुअल में ये मत सोचना कि मुंह में दबा रखा है ना 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 ना, ना। मुंह में दबा नहीं रखा ये गाल फाड़ के निकला है अंदर से और ये तो गाल में कर रखे हैं बहुत सारे लोग अब देखना पेट के अंदर से जो पेट की खाल होती है उसके अंदर से घुसी के निकालते हैं मतलब तो पेट के अंदर से नहीं पेट की जो खाल होती है जो स्किन होती है ये भी दबा नहीं रखा ये गाल के अंदर से निकाल रखा है मतलब समझ रहे हो कितना डेडिकेशन लेवल होता है दबा नहीं रखा है उसको ये क्योंकि कोई यहाँ पे वो करवाता है ठीक है और पता है यहाँ पे करवाने के बाद वो जो स्पियर इसमें टांगते हैं इसको कावड़ को एक यहाँ एक यहाँ पे एक यहाँ पे पाँच छः घुसवा लेते हैं फिर उसमें एक टांगते हैं पीठ में ऐसे घुसवा लेते हैं पीठ में एक टांगते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको अंदर ये स्पियर को वो कर लिया उसमें ये सारी जो कावड़ होती है उसको भी टांगते हैं ये लोग तो मतलब कितना ज़्यादा पेन होता होगा फोक डांसेस आते हैं तेलंगाना पे तो तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश से लंबाडी मैडम लंबा भीमे से तो भीमसा गुस्सा ठीक है गुस्साडी बनालू बोनालू माथुरी ठीक है तो ये डांसेस आपके आराम से याद हो जाएंगे जो तेलंगाना के हैं बिकॉज आंध्र प्रदेश से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड ही हैं ये ठीक है अभी आते हैं त्रिपुरा पे त्रिपुरा पे आते हैं तो त्रिपुरा के होजागिरी बीजू हई हक मई माता गरिया और लेबांग याद करने की टेरिक इसकी ये है कि भाई बीजू दादागिरी नहीं चलेगी माता पे क्यों क्योंकि माता पे मेरा भी हक हाँ है तो उनको संग लेके जाऊंगा घर पे इस तरह के लड़के आजकल कमीर देखने को मिलते हैं खैर <laughs> लेकिन खैर आप याद कर सकते हैं कि भाई बीजू बीजू ठीक है दादागिरी दादागिरी से होजागिरी ठीक है जो कि यहाँ की रियांग जो ट्राइब है वो परफॉर्म करती है अच्छा कोजागिरी अलग है कोजागिरी फेस्टिवल भी है त्रिपुरा में और कोजागिरी एक फेस्टिवल है जरा बताइए कहाँ का है, कहा है, को है कोजागिरी अगर बता सकें तो वैसे तो फेस्टिवल अलग हम देखेंगे माता पे मई माता हक है हाई हक संग लेबांग घर गरिया ले जाऊंगा, ले जाऊंगा तो कोई ज़रूरत है नहीं ले जाऊंगा से लेबांग याद कर सकते हो ठीक है ले जाऊंगा से लेबांग आप याद कर सकते हो ले जाऊंगा से लेबांग हो जाएगा आपका है ना आ, और तो कोई नहीं बच रहा है सारे तो हो गए ट्राइब्स ठीक है चलो और मैंने क्या पूछा था कोजागिरी तो कोजागिरी किसी का आंसर आया है तो होजागिरी ये आपका फेस्टिवल भी होता है और कोजागिरी जो है कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से देखेंगे महाराष्ट्र में होता है कोजागिरी या फिर कोजागिरी पूर्णिमा इसको बोलते हैं महाराष्ट्र मेनली या फिर थोड़ा सा कहीं कहीं पर आपका उड़ीसा वगैरह रीजन में भी होता है बट मेनली आपका महाराष्ट्र में होता है वो ठीक है तो बीजू से बीजू दादागिरी से होजागिरी होजागिरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रियांग ट्राइब परफॉर्म करती है माता पे से मई माता हक है से ते हई हक संग से और या फिर ले जाऊंगा से लेबांग घर से आपका हो जाएगा गरिया डांस अभी आते हैं उत्तर प्रदेश पे तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या ही ट्रिक की ज़रूरत है ठीक है रासलीला उत्तर प्रदेश में होती है लोग ख़यालों में खोए रहते हैं अब दुपारी है ठीक है उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में समझा देते हैं उनको दुपारी है आराम से गर्मियों के भी जैसे गर्मी है दोपहरी में एकदम दो बजे के टाइम गाँव में चले आराम से घटिया डाल के खयालों में एकदम मस्त खोए हुए हैं वाह गाने सुन रहे रेडियो सुन रहे आराम से ख्यालों में क्या है लोग खोए हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो रासलीला चल रही है ख्याल में ख्यालों में खोए हुए हैं और रासलीला कहाँ चलेगी नौटंकियों में चलेगी नौटंकी बहुत करते हैं के लोग मतलब ठीक है याद करके बता रहा हूँ ठीक है दिल पर नहीं लगा कोई और रामलीला भी यहीं पर देखने को मिलती है रामलीला अब बच के आ गया कजरी और चरकुला इनको याद कर लो यार चरकुला तुमने हरियाणा में पढ़ा था थोड़ा बहुत यहाँ पे भी होता है लेकिन मैंने आपके रासलीला ख्याल हो ये पूछता भी नहीं है ज़्यादा मैं आपको बता दूँ नॉर्थ ईस्ट के पूछता है और साउथ इंडिया के पूछता है यूपी जब सबको पता कि यूपी बिहार के भर भर के लड़के हैं उनको सब पता होगा अपने स्टेट का तो उत्तराखंड पे आते हैं छपेली छमछारी झोरा चोलिया टंडी और थाड़ी का तो झोरा ठीक है अमन याद आ रहा है आपको नाटा अमन ना, नाटा छोरा अमन तो झोरा से उस वो आपका थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश से भी रिलेटेड है तो यहां पे आपका झोरा तो यहाँ पर आपका ट्रिक यार कोई नहीं है तो छपा छप चप से वो छपेली याद कर सकते हो जो हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा था क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर में लग रहे हैं तो छपा से उत... मतलब याद कर सकते हो आप छपेली अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होगा ठीक है तो एक ही वो आपको देखने को मिलेगा चमचारी चोलिया टंडी थाडिया तो यही आई थिंक एक ही दो स्टेट हैं जिसके लिए ट्रिक नहीं है इस जैसे उत्तर प्रदेश हो गया उत्तराखंड हो गया अभी वेस्ट बंगाल पर आते हैं तो पुरुलिया छऊ तीन छऊ बताए थे ना सरईकेला केला झाड़ यानी झारखंड और आपका मयूर भंज वाला उड़ीसा में होता है और पुरुलिया जो छ होता है ये वेस्ट बंगाल में होता है पूरा लिया बंगाल वाले पूरा ले लेते हैं ठीक है ऐसे याद कर लो बॉल कहाँ का नाम लग रहा है ठीक है ओ ओ करके कहाँ पे नाम होते हैं यहाँ पे तो ये होते हैं जैसे वहाँ पे आ, सौरव को सौरव बोलते हैं ठीक है गौरव गौरव को गौरव बोलते हैं वहाँ पे ठीक है पहला बैशाख को पहला बैशाख बोलते हैं ठीक है तो ओ ओ थोड़ा ज़्यादा लगता है तो बॉल जो कहाँ का होगा वो वेस्ट बंगाल का होगा है ना और गंभीर गौतम गंभीर के के आर कोलकाता नाइट राइडर्स के क्या वो है ना पहले कैप्टन हुआ करते थे अभी कोच भी हैं तो उससे आप रिलेट कर सकते हो के के आर मतलब जो लोग आई पी एल नहीं देखते तो कोलकाता नाइट राइडर्स है ना तो कोलकाता तो गंभीर याद कर सकते हो और ये क्या है कि जो गंभीर जी हैं रन पे रन बनाते हैं बहुत रन बनाते हैं ये ना संतानवे रन बनाए थे ये वर्ल्ड कप में 97 सेवन और हाँ ठीक है धोनी ने उतने रन नहीं बनाए थे <laughs> लड़ो तुम लोग अब कमेंट में ठीक है धोनी वर्सेस गंभीर करो थोड़ा सा तो यहाँ पे गजन तुस्सु भाडू ये इसको तीन को याद कर लेना बाकी गंभीर और रनपा तो याद हो गया कि गंभीर रन पर रन बनाते हैं और पुरुलिया छो भी याद है और बॉल है ना तो इसके लिए ट्रिक मत याद करना बिल्कुल बनाना भी मत गजन टुसू और भाडू बस थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर लिखो ट्रिक अपनी अब आते हैं मार्शल डांसेस पे तो हमारे सारे स्टेट ख़त्म हो गए हैं ठीक है थीके? तो सारे स्टेट ख़त्म हो गए हैं हमारे अभी हम आते हैं मार्शल डांसेस पर मार्शल डांस तुरंत ख़त्म हो जाएगा आपको दो मिनट लगेंगे बस और यहाँ पार्टी हो रही है <laughs> हाँ आई हैव बाई योर कोर्स इन दिस मंथ सो इज इट पॉसिबल टू कम्प्लीट ऑल रिकॉर्डेड वीडियो इन टू टू थ्री मंथस पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है हाँ जी गोट गंभीर हाँ गंभीर भी धोनी के ही फैन हैं अच्छा चलो ज़्यादा बोलो मत नहीं मेरे अंदर का भी क्रिकेट जागा हाँ <laughs> जो भी आते हैं मार्शल डांस इस पर ठीक है तो मार्शल डांस वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा एक्रोबैटिक्स आपको देखने को मिलता है इधर उधर सब थोड़ा सा होता है एकरोबैटिक्स इसमें देखने को मिलता है तो मार्शल डांस होते हैं तो मार्शल डांस ये हैं आपको और आराम से भी मैं आपको याद करवाता हूँ लाठी गटका सिलम्बम सरित सरक थांगटा कलरी पयट्टू थोड़ा इनबुआ मर्दानी खेल पर ये सब हैं आपके ठीक है तो एक एक करके मैं आपको याद करवाता हूँ वैसे मैंने इसकी वाइटी शॉट पर टिक भी डाल रखी है तो वहाँ से भी आप चाहें तो कर सकते हैं तो लाठी चलती है कहाँ पे भैया पंजाब में लठ्ठ गाड़ देंगे बोलते हैं लट्ठ गाड़ देंगे और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में जैसे ही सीबीआई जाती, जाती है जाती है रेड मारने ममता बनर्जी जो है क्या है वो लाठी चलवा देती हैं ठीक है गटका लोग पंजाब में गटक के लस्सी पीते हैं तो पंजाब का लाठी भी है वेस्ट बंगाल का भी लाठी है और पंजाब में गटका भी है तो लोग गटक के लस्सी पीते हैं एकदम सीलम्बम तो सीला के साथ जो है भुवन बाम है ना एक यूट्यूबर है भुवन बाम करके आपने सुना होगा नाम तो भुवन बाम जो है सीला के साथ जो है तमिलनाडु में गया है अभी इस तरह से याद कर सकते हैं थोड़ा सा वाइटी शॉट वो देख लेंगे एक बार इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद तो आराम से तुरंत याद भी हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे वीडियो के फॉर्मेट में है ना तो सरिता सरक और थांगटा कहाँ का है मणिपुर तो भाई जैसे नहीं अक्षय कुमार बोलता है ए चल सरक सरक उधर नहीं जब वो राजपाल को वो स्कीम बताता है तो इसी से रिलेट कर सकते हो कि भाई अक्षय कुमार क्या करता है मनी से पहले तो पैसे से वो टेबल झाड़ता है और फिर बोलता है चल सरक सरक उधर ठीक है तो सरिता सरक और थांगटा थानटा याद कर चुके हैं ठीक है थांगटा या फिर सरिता को टाटा टाटा कर दिया सरिता को टाटा कर दिया बाय बाय सरिता ठीक है तो थांगटा कलरी पयट्टू केरल का है तो काला पट्टू केरल का है काला पट्टू केरल में मिलेगा तुम्हें वैसे तो हरे पट्टू हमें देखते हैं पट्टू पट्टू भी हमारे यहाँ पे जो पैरट होता है तो उसको पट्टू बोलते हैं हमारे यहाँ पट्टू भी बोलते हैं सूआ भी बोलते हैं तो थोड़ा से हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश थोड़ा काका हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो थोबड़ा होता है यानी मुंह जो होता है बड़ा अच्छा होता है ना तो इस तरह से याद कर सकते हो थोड़ा हिमाचल प्रदेश इन बुआ मिज़ोरम तो ऐसे याद कर सकते हो भाई इन बुआओं को मिज़ोरम लेके जाओ ये जो बुआ हैं बहुत दिमाग खराब कर रही हैं ठीक है, है पूछती रहती हैं क्या कर रहे हो बेटा क्या चल रहा है तो इन बुआओं को बुआओं को जरा मिजोरम लेके जाओ मर्दानी खेल मर्दों का खेल महाराष्ट्र में होता है ठीक है महाराष्ट्र एम से महाराष्ट्र एम से मर्दानी खेल परी खांडा परी खांडा तो पापा की परियाँ कहाँ मिलती हैं बिहार में मिलती हैं ऐसे याद कर लो जो पापा की परी होती हैं परी ठीक है वो आपको बिहार में मिलेंगी और एम मध्य प्रदेश में लोग खंभा हो पीते हैं खंबा बहुत चढ़ाते हैं इस तरह से याद कर सकते हैं फिर एम से एम पी एम से मल्ला खंबा ठीक है एम से एम और एम से मल्ला खम्भा और बच गया वाराणसी तो वाराणसी में होता है मुष्टि युद्ध ठीक है फिर मुश्तो युद्ध या फिर मुष्टी युद्ध होता है आपका ठीक है मुष्टी युद्ध तो ये हो जाएंगे आपके हिमाशल डांस रशियन भी अच्छी अच्छी अच्छा अच्छा रशियन भी अच्छी है हाँ ठीक है और भाई बड़ा टाइम लगा इनको ट्रिक बनाने में तो इसको मतलब मैं ये बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको तुरंत याद हो गई चीज़ें उतनी याद आसानी से लोगों को याद होती नहीं है तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए चीज़ों को रिवाइज करने में है ना जो यहाँ पे चीज़ हम लोगों ने करी है क्वेश्चन करना चाहोगे या फिर कल करें क्वेश्चंस को बताओ क्योंकि क्वेश्चंस फिर थोड़े ज़्यादा होंगे फिर जल्दी करने में वही है कि साठ क्वेश्चन होंगे तो मैं बीस कराऊंगा फिर तो मैं चालीस होमवर्क ले दूंगा है ना तो आज ही करें या फिर कल करें ख़त्म टाटा बाय बाय अच्छा मत करो अच्छा पी वाई क्यू पार्ट फोर स्टार्ट करिए सर ठीक है तो कल करते हैं ऑलराइट कल ही करते हैं ऑलराइट एंड बाकी कुछ रिविजन करें क्या कुछ मैं पूछूँ रैंडम आपसे रैंडम पूछूँ क्या बोया कहाँ का है बोया भोया कहाँ का है और भुया के अलावा बताओ सुवा कहाँ का है सुवा कहाँ का है शिगमो कहाँ का है जल्दी से बताओ शिगमो कहाँ का है बाकी मैं क्वेश्चन लूँगा अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है थीके? कल 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 सभी लोगों का कल का है ठीक है तो कल ही करेंगे कोई नहीं कल कर लेंगे कभी कोलकाता आ जाओ कोलकाता और मैं आऊँगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे बहुत 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 हैं मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यूपी बिहार देन कोलकाता के बहुत हैं ठीक है शिगमो तो बोया सु तो बोया कहाँ का है अजी बउआ अजी वैंचो बउआ के पास चलो है ना तो अजी से अजी लामू वैंचो से वैंचो बउआ पास से पासी कॉन्ग की चालो से चालो बउआ तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, है ना सुवा सुवा अक्सर अक्सर से कक्सर अक्सर क्या करते हैं सुवा जो है वो कर्म नहीं करते हैं तो कर्म नाच गेंडी मारते हैं गेंडी गेंडी डांस या फिर गेंडी नाच ठीक है गेंडिया मारते हैं तो सुआ आपका कहाँ का है छत्तीसगढ़ का पैरट डांस है शिगमो शिगमो कहाँ का है आपका तो शिगमो है आपका डांस ऑफ कलर्स होता है जो गोवा का इसको डांस ऑफ कलर्स के नाम से जानते हैं ठीक है और ज़रा बताइए कूदी अट्टम कहाँ का होगा कूदी अट्टम कहाँ का होगा ये बता दीजिए तरताली कहाँ का होगा तरताली और तेरह ताली कहाँ का होगा तेरह ताली ठीक है और इसके अलावा एक और बता दो एक और बता दो जवारा कहाँ का होगा जवारा जवारा कहाँ का होगा तो भाई तरताली हो गया फूलपति हो गया तो ये सब कहाँ के हैं आपके मध्य प्रदेश के हैं तेरह ताली राजस्थान का है है ना तेरह ताली और जवारा आपका मध्य प्रदेश का है हार्वेस्ट फेस्टिवल और फूल पति जो है वो अनमेरिड गर्ल्स परफॉर्म करती हैं ठीक है तो ये सारे आपको याद हो गए बाकी तो जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो खूब ढंग से उसको रिवाइज भी करेंगे है ना कल हम लोग रिवाइज़ करते हैं ओलाइट right, कल रिवाइज़ किया जाए भूत वाली कहानी सुनाए बिल्कुल बिल्कुल पंकज क्यों नहीं हम यहाँ पे इसीलिए तो बैठे हैं तुमको कहानी सुना सुना के सोएं हैं तो मेरा बचपन आया मत याद नहीं अभी मैं रोने लगूँ ठीक है हमारी जो बड़ी मम्मी है वो सुनाया करती थी हमें बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी मतलब सुनाया अब तो नहीं सुनाती है ठीक है लेकिन पहले जब छोटे थे तो कहानी सुनाती थी बहुत अच्छी अच्छी एकदम मज़ा आ जाता था सुनकर सर मुझे एक खम्बा दिला दो चलो तो कल क्वेश्चंस करते हैं और कल ही खूब हम रिवाइज़ करेंगे और एक चलो और बता दो जरा एक चलो आप ये बताओ मार्शल डांस बताना ठीक है मार्शल डांस बताना भी। सीलम्बम कहाँ का है अभी अभी पढ़े ना सीलम्बम कलरी पयट्टू कलरी पयट्टू सरिता सरक। सरिता सरक। ये बता दो और एक फोक डांस बता दो चलो ठीक है फोक डांस बता दो भुट्टा बोनालू ठीक है भुट्टा बोनालू ये बता दो भुट्टा बोमालू और भुट्टा बोमालू के अलावा एक हम लोग और भुट्टा बोमालू के एक और बता दो एक और बता दो कहाँ से ले लें किस स्टेट से ले लें रॉफ बता दो रॉफ जहाँ पे भंड पाथर भी होता है और एक ले लेते हैं कहाँ से उठा लें ठीक है और धमन डांस बता दो धमन धमन बता दो तो सीलम्बम भुवन बाम तमिलनाडु में गया कलरीपट्टू कालापट्टू केरल में सरिता ए सरक मनी लेके है ना अक्षय कुमार बोलता है मणिपुर और यहीं का थांगटा भी है भुट्टा बना लूँ ठीक है भुर्रा भुर्रा बना लूँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी होगा रॉफ़ कुद रॉफ हो गया कुद हो गया और आपका द, ये ये क्या बोलते हैं रॉफ हो गया कुद हो गया और धमाल जो हो गया आपका ये कहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर में है भंड पाथर जम्मू एंड कश्मीर में धमान आपका कहाँ धमाल ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है धमान आपका फेस्टिवल फेस्ट डांस होता है ठीक है एंड और कोई चलो कल रिवाइज़ करते हैं ठीक है थीके? और एक अच्छा और बता दो एंड दैट इज़ चिराव कहाँ पर होता है चिराव कहाँ पर होता है होजागिरी कहाँ पर होता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका साउथ इंडिया यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तो चिराव है आपका कहाँ का मिजोरम का है चिराव मिजोरम का इसके लिए ट्रिक नहीं दिखी थी हम लोगों ने कुछ ठीक है होजागिरी कहाँ का है त्रिपुरा का है तो ये सब आप रिवाइज़ करके आइएगा सर ठीक है कल क्वेश्चन करेंगे और ये बैच में कर लेंगे ठीक है बैच में कि आई थिंक क्लास तो यहाँ हो ही चुकी है जिसको सीखना था वो तो सीख चुका है तो कल ये क्लास हम रख लेंगे और परसों अब होगी आपकी परसों क्लास होगी यूट्यूब पे जो कि फेस्टिवल की क्लास होगी ध्यान रखना परसों यूट्यूब पे क्लास होगी नहीं तो फिर कल लोग आ जाएंगे पूछेंगे सर आज तो क्लास हुई नहीं ये सब क्या चक्कर है तो बैच में कल हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे और परसों यहाँ पर फेस्टिवल की क्लास हो जाएगी आपकी ठीक है चलिए थैंक यू सभी को धन्यवाद अब किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए ऐसे जय के लिए यार बताएंगे यार चिंता क्यों कर रहा हूं? और ये प्लीज़ मत कंसिडर क्या करो कि अलग अलग कुछ जी होता है सब सेम ही होता है ये क्लास कब तक यूट्यूब पर रहेगी बीस तीस मिनट रहेगी ठीक है नहीं करवा रहे मानी राजपूत और सर बस मत करो बहुत देर हो गई तो आप जाओ ना मतलब रिवीजन ही तो हो रहा है कौन सी कोई नई चीज़ हो रही है अगर जल्दी है तो जा सकते हो आप आई लव यू सर मस्त हो आप अच्छा चाचू जी ये क्लास गंभीर वर्षे धोनी करो तो दो मिनट सर तो करो ना तुम लोग स्टार्ट करो हमें <laughs> तो लड़ाई देखने मज़ा आता है परसों ईद है अच्छा तूफा मलिक बोल रहे हैं परसों ईद है अच्छा हमें लगा कल है ठाकुर प्रसाद वाले में दिया <laughs> था ना कल तो हमें लगा कि कल होगी चलो कोई नहीं बकरीद भी तो है शायद, ना बकरीद भी कुछ दिनों बाद है केमिस्ट्री का क्लास कब तो सौम्य रंजन जी केमिस्ट्री इसके बाद अगले वीक से स्टार्ट कर लेंगे ठीक है इस वीक जितना स्टैटिक हो जाएगा उतना कर लेंगे अगले वीक से केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे त्रिपुरा हो जा गिरी बिल्कुल सर तो जिंदगी का मजा लो और कितना पढ़ाओगे दुनिया एक्सप्लोर कर लो अच्छा अमिया सेठी दुनिया एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं कल उस बंदे ने यार रुला दिया और उसका मैसेज भी आया था बात करनी उससे बोला था सर एक बार बात कर लेना उससे बात भी करनी है मतलब तुम लोग कभी ध्यान नहीं रखते हुए उस बंदे ने मतलब रुला दिया कल <laughs> अच्छा अर्ष थैंक यू टू बोतेश सर फेस रिवील यूजी की सर कब आओगे कोलकाता देखते हैं यार आएंगे दार्जिलिंग घूमने लायक जगह है ना लेकिन घूमने से हमारा क्या लेना देना <laughs> पिछली बार घूमने कब गए थे हमें पता ही नहीं सन 2013 की बात है वो <laughs> जब आंध्र प्रदेश गए थे तिरुपति बालाजी तब से तो नयाद हमें सर आज आप सी और सिलेक्शन पोस्ट के लिए कोई वीडियो लाने वाले थे हाँ कैलाश कल आएगा वो वीडियो है ना कल आएगा अब तुम लोग को लग रहा होगा कि कल से ब्रेक लिए थे ना ब्रेक कुछ नहीं अब एक अब आपके में क्लास लेनी होती है ठीक है अब डिफेंस वाला जो चैनल उस पर भी ऑफिसर्स वाला सी का भी एग्जाम है तो उसमें भी ऐसा कोई ब्रेक वेक तो नहीं था कल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो रखा था इसलिए मैंने सोचा चलो आज रहने देते हैं क्लास नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में कल किसी को कम... <laughs> ले लेते हैं ना सर मेडिटेशन स्टार्ट करवाते हैं हाँ मेडिटेशन स्टार्ट करवाते हैं एक्चुअली में है क्या ना कि भी थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं थोड़ा सा नॉइस का इशू रहता है अभी तो इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं करवा रहा हूँ अभी बस एक महीना रुकी तो रोज़ मेडिटेशन करवाएंगे तो मैं सर अब गल्फी नहीं 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 सब नहीं ये सबने कानपुर का थैंक्स सर भाई ओके थैंक्स भाई सर कोई ऑफ़र है कूपन क्या कोई ऑफ़र तो देखते हैं कल वीडियो आएगा ना सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट वाला तो अगर ऑफ़र होगा तो कल दे देंगे नवरात्रि के उसमें थोड़ा बहुत है ना कल वाले क्लास में और यार थोड़ा सा पेमेंट का सिस्टम क्या ना चेंज हो सकता है पे जो क्योंकि तुम में से कुछ लोगों को पता होगा कि आ, अब शादी कर लो उम्र निकली जा रही है अच्छा <laughs> तो चेंज हो गया है कुछ सौ रुपये भेजें सर आपकी बार अब कि आपकी ऐप परमारसी पर कौन सा कोर्स लूँ रिकॉर्डेड जी का बैच या जी के तो फिल्टर्ड विजन जी पहली बात तो आप पैसे पूछ सकते थे पैसे भेजने की क्या ज़रूरत थी है तो रिकॉर्डेड जो जी का बैच है वो अभी विजिबल है ही नहीं आप पे क्यों क्योंकि जब ये बैच ऑलमोस्ट फिनिशिंग की ओर है तो वो लेने की क्या ज़रूरत जब सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं बस सिर्फ केमिस्ट्री तो बाकी स्टैटिक भी चली रही है स्टैटिक में भी क्लासिकल डांस हो गया फोक डांस हो हो गया हो गया तीन चार और इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी हैं तो वो हो जाएंगे उसके बाद केमिस्ट्री बाकी है तो फिर बचा ही क्या सारी चीजें तो हो ही गई आपकी है ना तो गो फॉर द जी के बैच टू पॉइंट ओ सर आप गुटखा खाते हो क्या <laughs> <laughs> क्या मतलब कानपुर के सारे लोग गुटखा खाते होंगे क्या <laughs> बोलो जुबा के है? और भाई साहब क्या एडवर्टाइज करते हैं लोग आईपीएल में एक वो नहीं आते कपिल देव और क्रिस क्रिस गेल की जनरेशन हैं अलग अलग लेकिन स्वाद है एक अभी शर्म कर लो <laughs> कभी देखे भी नहीं होंगे कभी छुए भी नहीं होंगे रियलिटी में हम्म जनरेशन है अलग स्वाद है एक और एक वो आते हैं दोनों शाहरुख खान अजय देवगन बोलो जुबा केसरी कभी देखे भी नहीं होंगे मतलब यार ये हंसी की बात नहीं है एक्चुअली में मैं एक लोगों को जानता हूँ एक्चुअली है क्या वो काम करने जिससे एक आंटी जाती हैं ठीक है तो मतलब उनके लड़का जो है ही इज इन ही इज़ ऑन द डेथ बेड ही इज़ ऑन दी डेथ बेड क्यों सिर्फ गुटके की वजह से माउथ कैंसर हो रखा है और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और उनका यह हालत है कि मतलब बहुत पैसे की किल्लत है सारा कुछ बेच दिया ज़मीन और मतलब ये तक बोल रही थी कि वो तोड़ियाँ जो होती हैं वो तक बेची तोड़िया आप जानते होंगे जो पैर में पहनी जाती हैं तो वो तक उन्होंने बेची थी सोचो मतलब जितनी यार मेरे से मदद हो सकती है मैं कर तो रहा हूँ लेकिन वही कि एक पॉइंट तक कर सकता हूँ लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये कितना मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ठीक है कि जनरेशन है अलग अलग पता नहीं कि कहां -कहां पे है कि कहाँ कहाँ पर तो जैसे मैंने देखा कहाँ कहाँ पर क्या क्या कितने लोग की ज़िंदगी बेकार हुई होगी मतलब वो उसका ऐसा है कि वो आंटी जी बताती हैं कि बोलता है कि मतलब जहर दे दो हमें मतलब अब सोचो कितना पेन होता होगा यार ठीक है और ये दो तीन महीने मतलब तीन चार महीने एटलीस्ट हो चुके हैं मतलब जब मुझे पता है जब मेरे फादर मतलब की डेथ हुई थी तब तो उस टाइम से वो उन्होंने बताया था कि ये मतलब उसको स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब पेन रहता है रवि शास्त्री अच्छा है सिर्फ पानी पीता है <laughs> सर आई बी एस ई की डेट जून के बाद होंगे हाँ मनीष अब वही एक्सपेक्ट करो आपकी इलेक्शन के बाद ही होगा उसका टी ए टू ठीक है क्योंकि मैं तो मैंने बोला था वीडियो में आई बी एस ई टू लेकिन मैं में और ना के बराबर ठीक है सर फ्लाइंग बीस्ट से आपका बातचीत है क्या वो भी कानपुर से हैं हाँ वो एक्चुअल में <laughs> जिस कोचिंग से पढ़े उस कोचिंग से मैं भी पढ़ा हूँ ठीक है टीचर हमारे सेम ही हैं काफ़ी काफ़ी टीचर्स हमारे सेम हैं सर हाउ कैन वी कैन हेल्प हर प्लीज़ डोनेशन लिंक बताओ बनाओ डोनेशन का लिंक क्या देखो मैं तो मदद कर रहा हूँ अपने साइड से हाँ लेकिन डोनेशन का क्या कैसे हो सकता है मतलब क्योंकि मुझे प्रूफ भी तो करना पड़ेगा नहीं कि काफ़ी लोग भी बोल सकते हैं कि कैसा क्या है देखते हैं पूछते हैं आंटी जी से है ना अगर वो मतलब पेपर्स वगैरह ला सकें पेपर्स और फोटो वगैरह भी चाहिए होगी है ना तो कुछ लोग क्वेश्चन करने के लिए भी आ जाते हैं दुर्गा पूजा टाइम चल रहा है क्या कोलकाता में आजकल हाँ ठीक है कल कूपन दे देंगे है ना और कल भाई यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी ध्यान रखना परसों होगी फेस्टिवल वाली है ना जो लोग ऐप पे हैं वो क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे बाकी क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं यहाँ पे भी पोस्ट करवा दूँगा जो लोग मतलब बैच में नहीं हैं तो हाँ कोई फ़ायदा तो नहीं होगा मुझे पता है कृतिका ठीक है कोई फ़ायदा तो नहीं होगा मतलब बच तो नहीं सकता है वो ठीक है क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है एज कितनी है आपकी हाँ क्यों भाई एज क्यों जाननी है अच्छा अक्टूबर में है अच्छा अच्छा सर मैं कानपुर में रूमा चौराहे के पास आप कहाँ पे हैं पांडे जी आप रूमा दूर पड़ता है हमारे यहाँ से हम नौबस्ता के पास से नशेड़ी की हेल्प नहीं करनी चाहिए अभिषेक जी कोई बचपन से नहीं होता है नशेड़ी समझे आप अगर आपको आप प्रिविलेज हैं कि आप ढंग की फैमिली में का जन्म हुआ ठीक है अब जैसे मैं भी हूँ तो मैं प्रिविलेज समझता हूँ नहीं तो खुद ही सोचो अगर तुम्हारा कहीं जन्म ऐसी जगह होता जहाँ पे पढ़ाई लिखाई से को लेने देना नहीं हर कोई घर में गुटका खा रहा है तो तुम भी गुटखा ही खाते समझे तो उस चीज़ को ये मत बोलो कि नशेड़ी की हेल्प नहीं करनी चाहिए उसके पीछे का रूट कॉज समझा करो कि क्या है ये जो गधे एडवर्टाइज़ करते रहते हैं वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम हमसे ये इन्फ्लुएंस होंगे और खाएंगे ये समझे और आसपास का जो देख के तो अगर मान लो अगर मतलब वो सब छोड़ दो अभी एक साल अगर मैं आपको बोल दूँ ना एक साल कि गाँव में रहो या फिर रेलवे स्टेशन पर रहो तुम रेलवे स्टेशन पर ठीक है तुम्हारी हरकतें तुम्हारी आदतें सब बदल जाएंगी तो इस तरह से मतलब मत सोचा करो कि अब चलो फालतू यार तुम लोग कमेंट आ रहे हैं इधर उधर के आ, कूपन दिखेगा आप में अभी तो नहीं कल लेना मैं बता दूंगा ना कल वाली क्लास में वो ऐड देख रहे हैं मुझे चलिए भाई थैंक यू सभी को